स्वागत है। तो भगवान ने श्री राम जी ने गंगा जी को पार किया, केवट ने पार उतारा और उसके बाद में भगवान श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर भरद्वाज ऋषि का अभिनंदन और उनके चरणों में वंदन करने के बाद में त्रिवेणी का स्नान करते हैं। और भगवान श्री राम जी ने महर्षि भरद्वाज जी से ये कहा कि प्रभु किस मार्ग से हम जाएं? तो भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ सकल मग दीख तुम्हारे, सारे के सारे मार्ग आपने ही बताए हैं तो बनाए हैं, तो आपको हम क्या बताएंगे। और सारे के सारे मार्ग, जो भी मार्ग शास्त्रों पुराणों और वेदों के हैं, वो आपके पास में ही जाकर के रुकते हैं। भगवान श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी से राम जी ने एक और कठिन प्रश्न कर दिया, कहते नाथ समझ कहिए जी ठाऊं और सिए सौमित्र सहत जहां जाऊं, आप मुझे वो बताइए जगह जहां पर मैं मिथिलेश नंदिनी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ में निवास कर सकूं। तो वाल्मीकि जी ने उल्टा प्रति प्रश्न कर दिया, जहां न हो तहां देव कहे तुम्हें ही दिखावो उठाऊं। हे प्रभु, आप कहां नहीं रहते हैं, वो जगह आप मुझे बता दो, मैं वही जगह आपको बता दूं। अर्थात आप कणकण में निवास करने वाले हो, तो आपको हम क्या बताएंगे कि आप कहां रहो। फिर भी उन्होंने चित्रकूट का संकेत किया और भगवान रघुनंदन श्री राम जी चित्रकूट में पहुंचते। और इधर महाराज निषाद जी के पास निषाद ने देखा कि कोई लौटा करके जब राम जी को छोड़ करके आए, तो उन्होंने गंगा के उस पार किसी को तड़पते हुए देखा, तो उन्होंने देखा कि राम जी को गए हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी निषाद जी अभी तक लौटे नहीं है वापस। वे घोड़ों को रथों को जोतने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घोड़े हिनहिना उठते हैं। जिस रथ पर बैठ करके श्री राम जी आए, उस रथ में जो लगे हुए घोड़े थे, राम को लिए बगैर लौटना नहीं चाहते थे। तो देख दखने देसी है ही नाही, जनु बिनु पंख ब्याग अकुलाए, जन जे में पंख ब्याग अकुलाए, देख दखने देसी है ही नाही, जन बिनु पंखे ब्याहे अकुला, जन बिनु पंखे ब्याहे अकुला। दक्षिण दिशा की ओर देख देख करके बार बार घोड़े अपने पांव को उठा देते हैं, हिहिनाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि राम जी गए, उन्हें लौटा करके लाओ, तब हम चले। निषाद जी महाराज ने आकर के सुमंत्र जी को समझाया, अब सुमंत्र पर हरहु विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लख बाम विधाता। सुमंत्र जी महाराज पंडित थे, ज्ञानी थे, धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे, परोपकार को तुम जानने वाले हो। परोपकार की बात इसलिए कही कि श्री राम जी का जो वनगमन हुआ है परोपकार के निमित्त ही हुआ है, इसलिए अब आपको लौट जाना चाहिए। जब उन्होंने जैसे तैसे उन्हें समझाया, घोड़ों को रथा और उसके बाद में सुमंत्र जी को बैठा दिया और सुमंत्र जी रथ को लेकर के आए। पर वे जिन श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, बिना राम लक्ष्मण के जानकी जी के लौट करके आए हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वे अयोध्या में प्रवेश करें। बैठ बिटपतर दिवस गमावा और सांझ समय तब अवसर आवा, एक विशाल बटवृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे दिन को उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया, क्योंकि दिन में अयोध्या में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी,
उन्हें लग रहा था कि मैं अगर गया तो चारों तरफ के लोग मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे राम कहाँ हैं, जानकी जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, तो मैं किसको क्या उत्तर दूंगा। जाए उतर अब दहियाओं का और उपे जा अति दारुण और उपे जा अति दारुण जाए उतर अब दहियाओं का था। मैं कैसे चाहूं अंदर, चुही मैं रथ को लेकर के जाऊंगा, सारे अवधवासी राम रहत रथ देखिए जोई, राम के बिना अकेले इस रथ को जो भी अयोध्या वासी देखेगा बड़े आश्चर्यचकित होकर के मुझे देखेगा। राम रहत रथ देखिए जोई, सकुच है मोए बिलोकत सोई। वो सोचेगा कि ये कैसा अभागा सुमंत्र है जो राम को छोड़कर के जीते जी कैसे लौट करके आ गया। राम के वियोग में तो यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रिय दर्शना, जिसके एक क्षण मात्र के वियोग से लोक अप्रिय दर्शन हो जाता है, ऐसा सुमन रात्र के वक्त की प्रतीक्षा करते रहे। रात्रि सांझ समय तब अवसर आवा, तो पैठ भवन रथ राखी द्वारे, रथ को बाहर रख करके सुमंत्र जी महाराज आए। वो ऐसे पड़े हुए थे रथ में जैसे कि मानो कि प्राण विहीन शरीर पड़ा हो। दासन देख सचो बिकलाई और सुमंत्र जी महाराज केकई के दरवाजे के सामने खड़े हैं। वो सोचते हैं कि यहीं पर हम महाराज को छोड़ करके गए थे, वो यहीं पर होंगे। लेकिन राम के वनगमन के बाद में तड़पते हुए राजा दशरथ जी ने मंत्रियों से और लोगों से कहा कि जिस भवन के अंदर मेरे प्राण धन जीवन राम के वनगमन की कुचक्र रचा गया हो, इस महलों में मैं नहीं रह सकता, मुझे यहां से बाहर निकालो। और उसी समय पर मंत्री और महारानी कौशल्या जी आदि लेकर के कौशल्या जी के महलों में दशरथ जी को ले गए हैं। अब दशरथ जी केकई के महलों में नहीं है, कौशल्या के महल में है। दासियों ने देखा कि सुमंत्र विकल होकर के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बार बार हिलकियां भर रही हैं, गिर रहे हैं। तो दासन दीख सचो बिकलाई और कौशल्या गृह गई लवाई, आसरा देकर के कौशल्या जी के घर में ले गई। सुमंत्र के चरणों की आहट को श्रवण करके दशरथ जी महाराज को आश्वासन मिला। वो कहते हैं कि राजा सुमंत्र मेरा सच्चा मित्र है, बचपन के केवल वो मंत्री ही नहीं थे, दशरथ जी के साथ में खेले खाए भी थे, इसलिए वो मित्र भी थे। निश्चित रूप से सुमंत्र मेरे राम को लौटा करके ले आए होंगे। एक बार दशरथ जी महाराज ने साहस किया, उठ करके बैठे, सुमंत्र को हृदय से लगाया, कहा सुमंत्र राम कहाँ है, बाहर है क्या, लक्ष्मण आ गए ना लौट करके। मुझे मालूम था सुमंत्र तो मेरे राम और सीता को लौटा करके ले आओगे। सुमंत्र जी महाराज गिर गए चरणों में, कहा महाराज क्षमा करना, ये मित्र मित्र धर्म का कर्तव्य निर्वहन नहीं कर पाया, क्योंकि सत्यव्रती दृढ़ धर्म पालन करने वाले रघुनंदन श्री राम जी ने मुझे धर्म का अवहेलना देते हुए आने से अस्वीकार कर दी। रोते रोते विरक्ते हुए सुमंत्र जी ने कहा कि मैं ऐसा वज्र कठोर हृदय का प्राणी हूं कि मैं अपने प्राण धन जीवन राम को अपनी आंखों के सामने से, उन्होंने रो रो करके सारी घटना सुनाई
कि महाराज मैंने रात्रि को राम को समझाने की कोशिश की। शिष्य पात्र के नीचे लेटे हुए थे, उन्होंने मुझे आधी रात में जगाया और रथ में बैठा करके राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर के मैं श्रृंग मेरे पास पहुंचा। निषाद ने बड़े भावपूर्वक राम लक्ष्मण सीता जी का स्वागत किया और महाराज उस समय पर मेरे प्राण निकल रहे थे, जिस समय श्री राम ध्रुवा का आसन बना करके एक वृक्ष के नीचे सो मैं तड़प रहा था। सुमंत्र जी ने कहा कि राजन दशरथ, सुबह जब हुई राम ने लोगों को बुलाया, कहा कि राम तुरंत बट क्षीर मंगावा, बरगद के पत्तों का दूध मंगाया और उसके बाद में लक्ष्मण को बैठा करके राम ने उनके घुंघराले बाल जो रेशमी बाल थे ऐसे बालों में दूध का ये बट वृक्ष का बरगद का दूध लगा करके उनकी जो बाल थे उन बालों को जटाओं में परिवर्तित कर दिया। महाराज उस समय पर उस वृक्ष के पास में खड़े हुए हिरण रो रहे थे, वृक्षों के पत्तों से रस श्रवण हो रहा था। मैंने देखा कि राम जी ने बाद में अपनी जटाओं में भी जब वो दूध लगाने लगे मैं उनके चरणों में गिर करके रोने लगा। राम ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, आप ये क्या कर रहे हो? कहा पिता आप कहते हो, इसी से तो मेरा हृदय फट जा रहा है कि आप अगर मेरे बेटे हो आप ये रूप मत बनाओ, क्योंकि दशरथ जी के स्वभाव को मैं बचपन से जानता हूं, वे आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वे आपके वियोग में प्राणों को नहीं रख सकेंगे, इसलिए महाराज आप मेरे सामने इन बालों को जटाओं में परिवर्तित मत करो। श्री राम जी ने धर्म का उल्लंघन दिया और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पिता के वचनों को पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य होता है। मेरे देखते देखते उन्होंने अपनी बालों को जटाओं में परिवर्तित कर दिया। मैंने उनसे लाख कोशिश की पर वे सत्यव्रती रघुनंदन श्री राम जी लौटने के लिए नहीं तैयार हुए और मैंने आपकी तरफ से मैथिली पुत्रवधु सीता को भी मैंने बहुत आग्रह किया था, पर सीता ने तो रोते रोते प्राणों का भी उन्होंने संभल दिया कि मेरे प्राण ही नहीं रह जाएंगे। और बड़ी मर्यादा पूर्वक सीता ने प्रणाम करके कहा कि तुम पितृ सरस आप मेरे ससुर की ही तरह हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूं, आप क्षमा करें। पतिव्रता नारी का एक ही धर्म एक ही व्रत है, विषम परिस्थितियों में पति का साथ दे, इसलिए मैं कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। सीता जी भी लौटने के लिए तैयार नहीं हुई। दशरथ जी ने कहा कि लक्ष्मण ने कुछ कहा क्या? जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने क्या कहा तो सुमंत्र जी ने अपना सिर शर्म से नीचे को झुका लिया। सुमंत्र बताते क्यों नहीं, लक्ष्मण कुछ बोला था क्या? कहा महाराज लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा वो हम आपसे कह नहीं सकते, क्योंकि श्री राम ने अपनी सौगंध दिलाकर के मेरे मुख पर ऐसा ताला लगाया है जिसे मैं खोल नहीं सकता। लखन कहे कचु बचने कठोरा, लखन कहे कचु बचने कठोरा, पर जी राम कहा हो न था पे लखन
देखा तो लक्ष्मण जी तड़क उठे और उन्होंने कुछ आपके प्रति कठोर शब्द कहे। आपके मन में ये लक्ष्मण जी ने सुमंत जी ने दशरथ जी को तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि मैं पिता को धर्म परायण समझता था, और मैंने ये सोचा कि पिता ने धर्म की बलवेदी पर पुत्र प्रेम का बलिदान कर दिया, मैं गौरवान्वित अपने आप को अनुभव करता था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा कि वन दिखाए सुरसरी अनभाई, वन दिखा करके गंगा का स्नान करा के चार दिन बाद लौटा लाना, ये कैसा सत्य व्रत है। एक और पिताजी कहते हैं कि धर्म मूल सब सुकृत सत्य पर टिके हुए, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वरवचन न जाए। तो 14 वर्ष का वनवास का दिया गया वचन ये 4 दिनों में कैसे पूरा हो सकता है। तो पूज्य पिताश्री को कोई एक काम करना चाहिए, या तो वो पूरी तरह से धार्मिक ही बन जाते, या वो पूरी तरह से पुत्र प्रेमी ही बन जाते। भरत है राम के प्रेमी, तो भरत ने क्या कहा, सीधे कह दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, मैं नरक जाता हूं तो चला जाऊं पर मेरे राम का वनगमन रुक जाए। इसलिए लखन कहे कछु वचन कठोरा, ब्रज राम पुनि मोहे निहोरा। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए दशरथ जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आंसू भी गिरे, आंसू को उन्हें पहुंचा। शायद राम नहीं चाहते थे कि मैं जीवित रहूं। लक्ष्मण ने तो मेरे लिए बहुत सुंदर कहा, वो संदेशा मुझे सुनाना चाहिए था। लक्ष्मण मेरे पर गुस्सा नहीं हुए, लक्ष्मण ने मेरे लिए एक संदेश भेजा है कि पिताजी, जो लक्ष्मण अपने भैया के खातिर अपने पिता के लिए भी 2 कटु शब्द कह सकता है, उसके रहते हुए मेरे भैया राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को कोई झुका नहीं सकता। आप निश्चिंत रहें, आपके पुत्र राम की कीर्ति को कोई नहीं झुका सकता। और इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात सुमंत्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कही। सुमंत्र जी महाराज ने सारी इन बातों को सुनाया, दशरथ जी महाराज तड़प उठे। जब उनको ये पता लग गया कि राम लौट करके नहीं आए हैं, तो दशरथ जी महाराज बहुत तड़पे, आंखों में भरे हुए आंसुओं से उन्होंने कौशल्या की ओर देख करके हाथ जोड़े, कहा, कौशल्या मैंने किसी का भी अपराध किया नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम्हारी गलती हुई है, क्योंकि तुम्हारी जैसी पत्नी के राम जैसे बेटे को मैंने वनवास देकर के तुम्हें दिल दुखाया है, इसलिए मेरी आत्मा ऊपर भी जाकर के शांति को प्राप्त नहीं करेगी, इसलिए हो सके कौशल्या तो मरने के पहले आप मुझे क्षमा कर देना। और उसके बाद में दशरथ जी महाराज एक बात, एक घटना जो उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, छुपा करके रखी थी, रोते रोते कौशल्या को सुनाई। आंखें डबड़बा उठी और डबड़बाई हुई आंखों में उन्हें श्रवण कुमार की छवि दिखलाई पड़ी, उनके माता पिता की छवि दिखलाई पड़ी, शांतनु उनके पिता का नाम था, श्रीधरा उनकी मां का नाम था। तड़पते हुए दशरथ जी महाराज ने कौशल्या जी को श्रवण कुमार की घटना की बात सुनाई। ध्यान रखना, ये राम कथा हमें और आपको प्रेरणा देती है कि हम जो जीवन में पाप करते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं,
तो तुम दुनिया से तो छुपा सकते हो, लेकिन उसका पाप का परिणाम, जो तुम पाप करते हो, जो दिल दुखाते हो, जो भी करते हो, उस पाप का परिणाम बिना भोगे नहीं रह सकते। भले ही आप भगवान के ही बाप क्यों ना बन जाओ, दशरथ जी महाराज राम के पिता बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्रवण कुमार के पिता का श्राप उनके सामने आकर के खड़ा हो गया है। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक दिन झुकाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, सिर उसको झुकाना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जन्म हुआ हो उसके एक दिन मृत्यु ना हो, हर एक प्राणी के कर्म उसके सामने खड़े हुए हो। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा। और यहां तो तुम कथा में बहाना बना सकते हो कि महाराज इस कारण नहीं आए, उस कारण से नहीं आए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस ईश्वर के सामने कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, सिर उसको आगे झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। Thank you.
शोहरत यहीं पर रह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत यहीं पर रह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब। जो भी तुम्हारी डिग्रियां हैं, जो भी डिप्लोमे हैं, जो भी सम्मान पत्र हैं, जो भी स्वागत के पत्र हैं, एक भी पत्र तुम छाती पर रख करके ऊपर नहीं जा पाओगे, सब यही का यही रह जाएगा। और कितने भी दौलत दुनिया तुम यहाँ पर कमा कमा करके एकत्र कर लो, चाहे बैंक में रख लो, चाहे इधर रख लो, चाहे जमीन में गाड़ लो, कुछ भी करो, एक भी ढेला तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। जीव जब जब चला तब अकेला चला। इसलिए भैया बार बार इस व्यास मंच से कह रहे हैं, सत्कर्म कर जाओ, ये बना जाओ, यहाँ पर ये कमरे बन जाएंगे, इनमें बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे और इनमें बच्चे वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण बालक रह करके देखो कितना उपकार होगा आपका। और इसके नीचे बैठ करके न जाने कितने यज्ञ, कितनी कथाएं, कितने सत्कर्म होंगे। जो कुछ करना है सो कर जाओ, नहीं तो बाद में फिर ऐसे धरे रह जाओ। एक भी ढेला तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। और ये थोड़ी थोड़ी अभी कर दो, करना जरूर लेकिन अभी लिखा सकते हो अगर अभी नहीं है पैसा। तो शोहरत यहीं पर रह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत। बताना किसी का नहीं चाहिए।
सदा ना रहेगा जमाना किसी नहीं चाहिए दुख पाना किसी का नहीं चाहिए दुख पाना किसी का नहीं चाहिए तापस अंधे साप सुधियाई कौशल्य सब कथा सुना कौशल्य सब कथा सुना महाराज ने रोते रोते थोड़े से उठ करके बैठे दीवाल का सहारा लिए रो रहे थे महारानी कौशल्या जी ने कर्ण पात्र में जल पिलाया कहा कौशल्या अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे क्योंकि एक दुखहारे मां बाप का साप मुझे सुनाई पड़ रहा है ये देखो ये महल हिलता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है ये हिलते हुए पर्दों के बीच से उस माता पिता की छवि दिखलाई पड़ रही है वो मुझसे कह रहे हैं कि दशरथ तुम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे वो दिखलाई पड़ रहे हैं वो यमदूत आ रहे हैं अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। दशरथ जी ने बताया कौशल्या मेरी शादी नहीं हुई थी मैं युवावस्था में था धनुर्विद्या का प्रशिक्षण मेरा चल रहा था अभी नई नई मैंने विद्या सीखी थी एक शब्द भेदी बाण की मानो कि अंधेरे में भी कोई दुश्मन अगर कोई शब्द कर दे तो बिना देखे अंधेरे में भी उस लक्ष्य का संधान करके उसको मारने का मैं शिक्षा ले रहा था और मेरे ही नगर का एक वैश्य बालक जो मेरे पास आता रहता था मैं उससे मिलता था वो मेरा मित्र था श्रवण कुमार एक दिन मेरे पास में आया कहा कि महाराज मैं अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहता हूं आपके अनुमति लेकर के मैं जाना चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा तुम्हारे माता पिता तो देख नहीं सकते तो चलो मैं तुम्हारे लिए रथ भेजता हूं। कहा नहीं नहीं मुझे कोई रथ की जरूरत नहीं ये शरीर भी हमारे माँ बाप का ही दिया हुआ है अगर जिनके जिन्होंने अपने रक्त से और दूध पिला पिला करके इस शरीर को अविसिंचित किया है अगर ये शरीर अपने माता पिता की सेवा में आ जाए तो उस पुत्र के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। दुनिया के इतिहास में अनेकों पुत्र हुए होंगे लेकिन माता पिता के भक्त बालक की जब भी कहानी चलेगी तो श्रवण कुमार की ही कहानी आती है और किसी की कहानी नहीं आती है। दशरथ जी ने कहा कि मैं रथ दे दूं तुम उसमें ले जाओ। कहा नहीं मैं अपने शरीर के कंधों पर ही रख करके ले जाऊंगा तुम्हें बीच बीच में आपके लिए व्यवस्थाएं करा दूं कुछ नहीं
तो महाराज दशरथ जी ने केवल एक गाय उनको दी और वो गाय उनके साथ साथ में चली। चार धाम की यात्रा श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर रख करके पूरी कराई और पूरी कराने के बाद में ऐसा नियम था प्राचीन काल का, सोचो कितना कठिन है, अकेले आप चलो बद्रीनाथ धाम आदि के लिए तो कितना कठिन होता है, और वहां पर अपने माता पिता को कंधे पर रख करके ले गया। ध्यान रखना, जिन पुत्रों के होते हुए उनके माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं उन बच्चों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए भगवान की पूजन करो, साथ साथ में अपने माता पिता की भी खुशहाली का चिंतन करना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, अपने आचार्यों की, शिक्षकों की आज्ञा का पालन करते हैं, वे बच्चे दुनिया में सिर उठा करके बड़े शान के साथ में जीते हैं। दशरथ जी महाराज तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो प्राचीन काल की परंपरा थी कि यदि तीर्थ यात्रा करके सजीव लौट करके आ जाएं तो बाद में पहले ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद में फिर नगर में प्रवेश करते थे। सो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि बेटा अंधियारा हो गया है, सरजू के किनारे इसी तरफ अभी रुक लेते हैं, कल अपन सरजू को पार करके पहले ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे फिर नगर में प्रवेश करेंगे। रात्रि को वो वहीं पर रुक गए एक वृक्ष की छाया। रात्रि का सन्नाटा था और दैव योग को विधाता जो लिख देता है, ना हम टाल सकते हैं ना आप टाल सकते हैं। उस समय श्रवण कुमार के पिता को, माता पिता को प्यास लग आई। पहले तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार से कहा कि बेटा प्यास भयानक लग रही है, हम कोशिश करते हैं कि अभी आपको दूर ना भेजना पड़े, लेकिन कुछ उपाय करो, पास में कहीं से पानी ले आओ मेरे लिए। श्रवण कुमार ने कहा थोड़ी दूर पर सरजो मैया है, मैं अभी पानी लेकर के आता। इसी रात्रि को राजा दशरथ जी महाराज ने शब्द भेदी बाण का प्रयोग करने के लिए निषाद वगैरह के पास आए हुए थे। एक तिकोने पेड़ के ऊपर मचान बना दी गई थी, दशरथ जी एक पेड़ की तीन डालें रखी हुई लगी हुई थी, उसके बीच में मचान बनाई थी, उस पर वो बैठे हुए नदी के किनारे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कोई हिंसक प्राणी सरजू का पानी पीने के लिए आएगा और आवाज सुनाई पड़ेगी, उसी तरह हम बाण का संधान कर देंगे। इधर श्रवण कुमार जलपात लेकर के माता पिता को प्रणाम करके सरजू जी में गया और उसने जो ही अपने पात्र को सरजू जी में डुबोया, उस घड़े की डबडब की जब आवाज आई तो श्रवण कुमार को लगा कि शायद कोई सिंह है, कोई शावक है जो पानी पी रहा है, उसी तरफ उन्हें बाण का संधान कर दिया और बाण के छूटते से ही प्रतिक्रिया के रूप में किसी के चीखने की आवाज आई, हे माता हे पिता, हे माँ हे पिता, ऐसा कहकर के जब कोई रोया तो दशरथ जी महाराज घबरा गए, कांप गए कि लगता है मैंने किसी प्राणी की हिंसा कर दी। मचान से कूद करके दौड़ते हुए राजा दशरथ जी उस तरफ भागे जहां से आवाज आ रही थी। चांदनी रात थी, उन्होंने देखा कि कोई नौजवान सरजू में एक बर्तन बह रहा है। श्रवण कुमार फिर भी प्रयास कर रहे थे कि उस कमंडल को मैं पकड़ लूं ताकि मैं कम से कम पिता को पानी पिला दूं। बाण लगने के बाद में भी श्रवण को अपने शरीर की नहीं माता पिता के प्यास की चिंता थी। दशरथ जी महाराज ने तड़पते विलकते हुए और उस नौजवान को उन्होंने पकड़ करके लगाया हृदय से, देखा ये तो श्रवण है। अवाक रह गए राजा दशरथ जी, कहा कि मित्र ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध मैंने किया है, मैंने तुम्हें किसी पशु के रूप में जान करके शस्त्र का प्रहार कर दिया, तुम जो भी श्राप देना चाहो मुझे श्राप दे दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। श्रवण कुमार ने कहा कि महाराजा हम तो आपकी प्रजा हैं, आप राजकुमार हैं, लेकिन एक बात हम मरने के पहले आपसे कहना चाहते हैं कि आपको कर्तव्य बोध होना चाहिए। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन अगर राजा ही इस प्रकार से
बच्चों की हत्या करने लग जाएगा तो फिर क्या होगा पूजा का। रोते हुए राजा दशरथ जी से उन्हें कहा कि मेरी और कोई तमन्ना नहीं है, राजन ये नहीं पूछोगे मित्र कि मरने के पहले तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। जब भी किसी को सजाए मौत दी जाती है उसके पहले उससे पूछा जाता है। दशरथ जी कहते हैं, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, देखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा बिगाड़ा, देखता तीर सीने में मारा। अंधे माता पिता वो हमारे राह तक ते ही होंगे ओ अंधे माता पिता वो हमारे राह तक ते ही होंगे बिचारे। लौट अब तक श्रवण ना हमारा, आए जालिम तेरा क्या बिगाड़। लौट अब तक श्रवण ना हमारा, प्यास पितुमात की मैं बुझाऊं। ओ कैसे जल ले के उनको पिलाऊं, प्यास पितुमात की मैं बुझाऊं। बस यही रंज है मुझे तुम्हारा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़। बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। ओ बेखता तीर सीने में मारा। और तड़पते हुए श्रवण कुमार ने राजा दशरथ जी से कहा कि मेरी अंतिम ख्वाहिश केवल इतनी महाराज पूरी कर देना, मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, इसलिए काम कर देना कि आप एक कमंडल में पानी ले जाकर के कम से कम मेरे पिता को पिला देना, और जब तक वो पानी ना पी लें उसके पहले आप मेरी मृत्यु का समाचार उनको मत देना, नहीं तो वो पानी नहीं पिएंगे। और ऐसा कहते कहते राजा दशरथ जी की गोद में ही छटपटा उठे श्रवण, उनके बाण लगा हुआ था, महाराज बाण तो निकाल लो ताकि मैं बेचैनी से प्राणों का त्याग कर सकूं। छटपटाते हुए श्रवण की छाती से अपने विषाक्त बाण को निकालते हुए राजा दशरथ जी भी कांप उठे, और उसी समय उनकी रक्त की धारा बैठी बह उठी, और उसी समय का अब छोड़ो छोड़ो वो सूर्य की रश्मियों का रथ आ गया है, मैं उन पर बैठ करके अब ईश्वर के लोक को जा रहा हूं। महाराज क्षमा करना। माता पिता को क्षमा मांगी, माता पिता को प्रणाम करते हुए श्रवण का शरीर शांत होकर के वहीं पर गिर पड़ा। उस समय उनकी लाव को छपटते हुए देख करके चंद्रमा के आंखों से आंसू गिरे, खगमर्ग जीव जंतु भी वहां रो रहे थे,
दशरथ जी तड़प रहे थे, उस दुनिया का सबसे बड़ा मातृ पितृ भक्त बालक आज अपने प्राणों का उत्सर्ग करके धरती से चला गया। दशरथ जी महाराज उस जल कलश को लेकर के दबे हुए पांव से धीरे धीरे, सांस नहीं हो रहा था कि उनके माता पिता के पास कैसे जाए। उन्होंने दूर से ही देखा कि माँ उनसे पूछती है, पता नहीं क्यों मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, मेरा बेटा इतनी देर से आया क्यों नहीं, कहीं रास्ते में किसी सर्प ने ना काट लिया हो, कहीं डगर ना सरक गई हो जिससे नदी में कुछ दिक्कत ना हुई गई हो। इसी प्रकार से वो सोच ही रहे थे, कांपते हुए श्रवण की दशरथ जी की जब आहट सुनाई पड़ी, कभैया तुम कौन हो बेटा श्रवण, आप श्रवण मेरे पास आ जाओ, हम जानते हैं बेटा हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हारे शरीर पर तुम हमें लेकर के चले हो। माँ बोली, बेटा श्रवण मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने गर्म गर्म आंचल से मैं तुम्हारे इस घाव को सेंक देती हूँ। ये सुनकर के दशरथ जी तड़प उठे, उनसे रहा नहीं गया, वे रो उठे और उस जलपात्र को लेकर के माता पिता के पास गए। श्रवण के पिता शांतन ने जब उस पात्र को अपने हाथ में जब लेना चाहा तो वो पात्र कांप रहा था, तो उन्होंने हाथ का स्पर्श कर लिया दशरथ जी का, फिर उन्होंने पानी नहीं लिया कि तुम कौन हो, तुम मेरे बेटा श्रवण नहीं हो, तुम सत्य बताओ कौन है और मेरा श्रवण कहां गया। रोते रोते दशरथ जी ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं आपके पुत्र का हत्यारा दशरथ हूं, शब्द भेदी बाण के कारण अनजाने में मेरे द्वारा आपके पुत्र की पुत्र का वध हो गया है, पर महाराज मैं आपको वचन देता हूँ, श्रवण ने जैसे आपकी सेवा की है, यद्यपि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ पर अपने मित्र के कर्तव्य का और पाप का मैं बोझ उतारूंगा, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, मैं अब राज्य पाट पर भी नहीं बैठूंगा, सारा जीवन मैं आपके सेवा में लगा दूंगा, अपने कंधे पर बैठा करके श्रवण की तरह ही हम आपको फिर तीर्थ यात्रा कराएंगे, लेकिन आप हमें क्षमा कर दो। मां ने रोते हुए कहा कि राजा दशरथ, श्रवण की तरह तो दुनिया में कोई अब हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा श्रवण तो श्रवण ही है, अकेला रहेगा, ये तुमने क्या कर दिया। रोते हुए शांतन ने कहा कि दशरथ तुम्हारे हृदय बड़ा कठोर है, तुम्हारे तर्क सभी खाली नहीं हुई होगी, एक बाण मेरे भी कलेजे में मार करके अपने ठंडे को छाती को ठंडा कर लो, जब श्रवण जैसा बेटा नहीं रहा तो अब हम देख रह करके क्या करेंगे, हमारी एक मदद करो, अब हम लकड़ी तो एकत्र नहीं कर सकते, हम कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम एक चिता बना दो जिस पर मेरे बेटे श्रवण का अंतिम संस्कार किया जा सके। राजा दशरथ जी ने रोते रोते लकड़ियों को एकत्र किया, मां ने रोते रोते कहा कि चिता जरा बड़ी बनाना, क्योंकि इस चिता पर एक लाश नहीं तीन तीन लाशों को राख होना है, श्रवण कुमार के हम माता पिता भी अपने आप को जीवित नहीं रख सकते, इसलिए महाराज श्रवण की शरीर को चिता पर जब रखा गया तो छटपटाती हुई बिना देखने वाली मां भी तड़प करके उस चिता पर चढ़ गई, शांतन जी भी उसी पर आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया। दशरथ जी से कहा अब तुम अग्नि लगाओ इसमें, हम सदैव अपने बेटे के साथ शरीर को अग्नि को समर्पित करेंगे। राजा दशरथ जी घंटों रोते रहे तो उसी बीच में कहा हम समझ गए कि आप ये संस्कार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं है। उसी समय पर अपने कंधे पर बैठा करके श्रवण की तरह ही, इसलिए हम आपको फिर से यात्रा कराएंगे, लेकिन आप हमें क्षमा कर दो कि तुम्हारे पुत्र तो चार चार होंगे, लेकिन जिस प्रकार आज हमारे पुत्र होने के बावजूद भी तुमने उसे मार दिया, मेरा अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं है,
हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे पुत्र तो चार चार होंगे, लेकिन जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा तो मुखाग्नि देने के लिए एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। शरीर को पड़ा रहने पड़ेगा महीनों तक। और इतना श्राप देने के बाद मैं चीखी और चिल्लाई, ओ मेरे श्रवण तू कहां जा रहा है, जरा मेरे पास आ जा, मैं तेरे घाव को देख रही हूं, मैं तेरे घाव पर पट्टी कर दूं, ऐसे चीखी और चिल्लाई। और उसी के साथ में श्रवण की मां भी तड़प करके श्रवण के शरीर पर गिर पड़ी। अब श्रवण का शरीर पड़ा है, शांतन की पत्नी भी मर गई, शांतन ने उसके शरीर पर हाथ फेरा और कहा अच्छा तुम भी श्रवण के पास चली गई, श्रवण अब मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास, अब मैं सह करके क्या करूंगा। और उसके बाद में तड़पते हुए श्रवण के पिता शांतन ने राजा दशरथ जी को श्राप दिया कि राजन दशरथ तुमने श्रवण की मां का श्राप तो ले लिया है, अब एक मेरा भी श्राप ले लो। और मेरा श्राप ये है कि जैसे आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं राजन दशरथ, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। और ऐसा कहकर के श्रवण के पिता का भी शरीर वहीं पर छूट गया। दशरथ जी कहते मैं अभागा बिलख करके रो रहा था, एक साथ मैंने तीन चिताओं को अग्नि दी। पिता महाराज आज के डर के कारण मैंने इस घटना को किसी को बताया नहीं, लेकिन कौशल्या आज वो श्राप मेरे सामने खड़ा है, उन्होंने कहा था तड़प तड़प करके मरोगे, वो श्राप मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है, इन हिलते हुए पर्दों से हवा के झरोखों से आवाज आ रही है कि दशरथ तुम तड़प तड़प करके मरोगे, इसलिए कौशल्या अब मेरे प्राण नहीं बच सकते। रघुबर हा लक्ष्मण सीता हर घुबर लक्ष्मण सीता पुत्री पान पिए परम विनीता हर घुबर पीते हर गुण प्राण पीते तुम बिन जिया ते बहुत दिन बीते हर गुण प्राण पीते तुम बिन जानी की लखन हार धुवल जानी की लखन हार धुवल हाँ पी तू ही देखते छात के जल हाँ पी तू ही देखते छात के जल लखन का राम सने कहाँ लखन का राम सने कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदे कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदे से बिलाप कर करते हे सुमंत्र किसी तरह से एक बार मुझे राम से फिर मिले।
ऐसा राम जिसको मैंने कौशल्या एक दिन पहले राम को बुला करके कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, और दूसरे दिन मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया, लेकिन राम ने एक बार भी पलट करके मुझसे ये नहीं पूछा कि हे पिताजी मेरी किस गलती पर मुझे वनवास दिया जाए। सो सुत बिछुरते गयऊ न प्राणा को पापी बने मोहि समाना। ऐसे राम जैसे लाडले पुत्र के व्युक्त होते ही बन जाते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है जो राम के जाने के बाद में भी इस शरीर को धारण किए। राजा दशरथ जी छटपटाने लगे, आंखें उनकी बंद होने लगी, कौशल्या जी रोई, रानियां निपट करके रोने लगी, कर्ण धार तुम अवध जहाजू, आप अयोध्या वासियों के जहाज के कर्ण धार हो, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, इसलिए आप धैर्य धारण करो, राम लौट करके आएंगे, आप रहोगे तो सब कुछ बच जाएगा। लेकिन दशरथ जी महाराज एक बार उठे, तड़पे और बड़े विवेक के साथ में उठने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके शरीर धरती पर गिर गया, और उन्होंने अंतिम समय में जो दोहा बोला उसमें 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम तनु पर हरे रघुबर बिरह हम सखी जन प्रीति करी लखना गोपाल तनु परिहर रघुबर बिरह अरे मत खुशी रे। 6 बार राम राम का, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु परिहर रघुबर बिरह राव गए उस। 6 बार राम राम कहने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए राम 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 तारिकम राम कृष्ण बांस देव भक्ति मुक्ति दायकम राम 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 तारिकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। ये भक्ति और मुक्ति दोनों को देने हमारे परम पूज्य बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की स्तुति में नौलक्खी में बराबर आरती के बाद में जो श्लोक इस श्लोकों को बोला जाता है आज भी बोला जाता है। 6 बार राम नाम का प्रयोग है। राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम इस श्लोक में भी 6 बार राम नाम है। इसलिए दशरथ जी महाराज ने मुक्ति हेतु अंत में 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कहे राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राव गयउ सुर धाम। दशरथ जी का शरीर वहीं पर गिर पड़ा। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सभी माताएं बिलख बिलख करके तड़प तड़प करके रोई। भाग्य की नियति देखो, जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो जिसकी नगरी अयोध्या है, जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता,
आज उसका शरीर पड़ा हुआ है, एक भी पुत्र उसके पास नहीं है। वशिष्ठ जी के निर्देश से आयुर्वेदिक के वैद्यों ने ऐसा एक तेल बनाया जिसमें शरीर सड़े नहीं, और तेल नाव भर नृपतन राखा और दूत बुलाए बहुर अस भाखा। नौका में तेल भरा करके उसमें रखा, तेल नाव भर नृपतन राखा दूत बुलाए बहुर अस भाखा। और उसके बाद में वशिष्ठ जी महाराज ने दूत बुलाए, तत्काल कहा कि पठो बेग भरत पहीं जाऊ, अत्यंत शीघ्र तुम भरत जी के पास जाओ। लेकिन जूही उन्होंने कहा कि भरत के पास में जाओ, उसी समय कौशल्या जी ने कहा कि गुरुदेव थोड़ा रुकिए। बोले क्या बात है, कहा आप भरत के पास जा रहे हो? तो कौशल्या जी ने रोते रोते कहा कि महाराज दशरथ जी भरत के बारे में कहते थे कि राम तो मेरे कुल का सूरज है, लेकिन भरत मेरे कुल का दीपक है, तो बार बार मुई कहीं मही पा जानिए सदा भरत कुल दीपा। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने बार बार मुझसे ये कहा था कि भरत हमारे कुल का दीपक है, इसलिए आप इनको जो भेज रहे हैं वो ध्यान रखना, अगर इन्होंने कहीं सीधे जाकर के पिता के मृत्यु का समाचार, राम के वनगमन का समाचार अगर इन्होंने भरत को वहां सुना दिया, तो कहीं इस संदेश की हवा से कहीं हमारे कुल का जो दीपक भरत है कहीं बुझ ना जाए, इसलिए इन दूतों को समझा करके भेजो कि कुछ ऐसा संदेशा दें कि भरत यहां तक आ जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक कहा महारानी आपने, और उन्होंने दूतों को बुला करके कहा कि एक ध्यान रखना, इतनी ही कहियो भरत सन जाई और गुरु बुलाए पठाए दो महाराज। भरत जी के पास में आप केवल इतना कहना कि गुरु जी ने तुम दोनों भाइयों को तत्काल बुलाया, और ये संदेशा लेकर के धावक अत्यंत शीघ्र वहां पर पहुंचे जहां भरत जी थे। भरत जी दिन प्रति देखे रात को सपने, भरत जी को रात को बड़े भयानक सपने दिखाई पड़े, अशगुन उनको हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि शायद अयोध्या में कुछ हो रहा है, इसलिए भगवान शंकर जी का नित्य प्रति अभिषेक करके यही मनाते हैं, मांगे हैं कुशल महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई, मेरे माता पिता सब लोग कुशल से रहे। लेकिन उसी समय दूत आए और उन्होंने कहा कि आपको अत्यंत शीघ्र गुरुदेव ने नगर में बुलाया है, क्या कारण है, कहा सब कुछ बताने के लिए मना किया। मामा श्री को प्रणाम करके भरत और शत्रुघ्न अत्यंत तीव्रगामी घोड़ों पर बैठ करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। रात्रि में उन्हें भयानक भयानक अशगुन दिखाई पड़ते हैं, खर श्यार बोले प्रतिकूला और सुन सुन होए भरत उर्सूला। खर और श्यार, गधे और श्यार दिन में आकर के मार्ग में खड़े होकर के चिघाड़ चिघाड़ करके रो रहे थे, अशगुन हो रहे थे। भरत जी का चरित्र बहुत महान पवित्र और पावन है, एक दो दिन में श्री भरत जी का चरित्र हो नहीं सकता। एक बार मैंने तरण तरण पाठशाला में 3 दिन तक ही भरत जी का चरित्र चलाया था, लेकिन एक बार महाराष्ट्र में अमरावती में अंबा माता प्रांगण में वल्लभ भाई शिक्षी द्वारा और उनकी समिति द्वारा विशाल कार्यक्रम हुआ था गौ माता के लिए, और उस समय पर कथा 2 सत्र में होती थी। एक बार मैंने भी 11 दिन की कथा पाठशाला में की 2 सत्रों में, सुबह भी 3-4 घंटे कथा होती थी, शाम को भी। अब तो मैं थोड़ा फिर भी समय पर थोड़ा समाप्त कर देता हूं, पहले तो 1-1.5-1.5 घंटे लेट करते थे और श्रोता उठते नहीं थे, बैठे रहते थे। श्रोता तो आज भी वही है, अगर मैं चाहूं तो बैठे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय से करने का प्रयत्न करते हैं।
तो भरत जी का चरित्र मैंने अमरावती में 9 दिन किया था और 2 टाइम पर किया था, एक ही चौपाई थी, भरत सरस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। इसी चौपाई पर 9 दिन तक 2 टाइम पर प्रवचन चला था। एक हमारी शिष्या है, रामकथा की उद्भट वक्ता है, विद्वान है, अर्पिता मानस भारती जी, उन्होंने पूरी उन कैस्टों को उनको कहीं से मिल गए वल्लभ भाई सिक्की जी के पास से, और उन्होंने लिख करके और उसको पुस्तकाकार छपाया है। हमारे ख्याल से उसके दोनों खंड या एक खंड यहाँ पर आगे जो यहाँ लगा हुआ है कार्यालय, जहाँ वेदांत महिला मंडल कार्यालय और पुस्तकें वगैरह हैं, वहां से आप उस पुस्तक को ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से भरत जी का चरित्र तो अपार है, लेकिन आपको बहुत संक्षिप्त 1-2 घंटे में ही हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि कल अपन यहां पर, कल क्या है, कथा का समापन। और समापन पर ध्यान रखना, अगर कोई पहले ना आ पाए तो समापन के दिन आते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि समापन में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद हमारी आपदाओं को हरण कर लेता है, सुख में जीवन बना देता है। लेकिन इसका फल मिलता है तब जब माताएं अपनी बहुओं को भी लेकर के आए, बहुएं अपनी माता को भी, सासजू को भी लेकर के आए, और हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को कल भले ही छुट्टी करानी पड़े पर यहां लेकर के आना चाहिए। यही जीवन का सुकृत है, पूर्ण है, फल है। रात्रि के समय में बहुत सुंदर राशिला आज भी होगी, कल भी आपको राशिला दिखलाई पड़ेगी कृष्ण आदर्श राशिला मंडल के माध्यम से। मैं तो पूरे समय नहीं बैठ पाता, इतनी सुंदर राशिला होती है कि हमारा भी मन करे कि हम बैठ करके पूरे देखें। और भव्य और दिव्यतम रात्रि में राशिला काफी लोग आकर के देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था संक्षिप्त में, आपको 2-1 सूत्र भरत चरित्र के हम आपको सुनाएंगे। प्रेम अमिय मंदल बिरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यु सुर साधुहिता कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। श्री भरत जी का चरित्र जो है, उनका चरित्र क्षीर सागर की तरह, समुद्र की तरह विशाल और गहरा है। तो भरत सर से को राम सने ही जग जप राम राम जप दे जग जप राम राम जप दे। भरत सर से को राम सने भरत सर से को राम सने जग जप राम राम जप से जग जप राम राम जप से। भरत सदृश कहते कि भला भरत के समान राम का स्नेही कौन होगा। सच में तो बात यह है कि क्या लक्ष्मण जी कम है। लक्ष्मण जी महाराज तो हरदम राम के साथ में ही बैठे हुए मंदिर तक में, और जब भी राम जी का ध्यान किया जाता है, जब भी राम जी बैठाए जाते हैं, राधा जी कृष्ण जी तो अकेले राधा जी को लेकर विराजमान हो जाते हैं, पर हमारे श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण के बिना हम नहीं रहेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरे सत्तम वंदे रघुनंदन। लखन जानकी सहित प्रभु मम ही करहु निवास। लक्ष्मण और जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी भी रहते हैं, तो क्या लक्ष्मण जी की भक्ति कम है, भरत की ज्यादा है। तो को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा राम का भक्त है, कौन छोटा है, ये कहने में अपराध लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर है,
भरत जी का लक्ष्मण जी का चरित्र इतनी ऊंचाई में है, इतनी ऊंचाई में है कि कोई उसका छोड़ नहीं पा सकता। और भरत जी का चरित्र समुद्र की तरह इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि कोई उसकी थाह नहीं पा सकता। और दूसरा फर्क एक और है, दूसरा फर्क दोनों भाइयों में एक अलग प्रकार का है। श्री भरत जी लक्ष्मण जी ऐसा मानते हैं कि राम जी मेरे हैं। क्या मानते हैं लक्ष्मण जी का क्या भाव है? लक्ष्मण जी मानते हैं कि राम जी मेरे हैं और भरत जी ये मानते हैं कि मैं राम जी का हूं। इतना अंतर है। जिसको आप अपना मान लोगे तो आप उसे डांट भी सकते हो, आप उसे कुछ कह भी सकते हो। और इसलिए मैंने आपको बताया था परसों के लक्ष्मण जी महाराज राम जी को ये तक कह देते हैं, कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लेकिन भरत जी ये कहते हैं कि मैं आपका हूं, मेरे मालिक आपको अपनी लीला में मुझसे जो करवाना हो आप कराओ, अगर आपके वियोग में मुझे तड़पाने में आपको लीला सफल होती तो मैं आपके वियोग में तड़पने के लिए भी तैयार हूं। ये भरत है। रत्न तो आकाश में भी होते हैं, रत्न समुद्र में भी होते हैं। और एक दूसरा अंतर और है दोनों में। दूसरा अंतर यह है कि भरत जी महाराज राम के स्वभाव के अवतार हैं। राम जी के स्वभाव को देखना है तो भरत जी को देख लो। भरत जी महाराज राम जी के स्वभाव के अवतार हैं और श्री लखनलाल जी महाराज क्या हैं? लक्ष्मण जी महाराज राम के प्रभाव के अवतार हैं। यदि राम के प्रभाव को देखना है तो लखन सकोप वचन जे बोले डगमगा न मही दिग्गज डोले। राम जी कहते हैं विभीषण से जगमऊ सखा, सुग्रीव से कहते हैं जगमऊ सखा ने सातर देते, सुग्रीव मैंने तुम्हारे बल पर रावण से युद्ध की तैयारी नहीं की है, ये मेरा जो छोटा भाई है ना तुम उसे जानते नहीं, जगमऊ सखा ने सातर देते लक्ष्मण हनय नमस्मोति थी। तो लक्ष्मण जी महाराज क्या है? राम के प्रभाव और राम जी के स्वभाव को अगर देखना हो तो भरत जी को देखो। भरत जी महाराज राम के स्वभाव है। जैसे समुद्र के अंदर भी रत्न है, आकाश के अंदर भी रत्न है, लेकिन आकाश के रत्नों को आप दिन में देख सकते हो। देखो सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? आकाश का रत्न है। सूर्य दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, ध्रुव दिखाई पड़ते हैं, सप्तर्षि तारामंडल, आकाश के रत्नों को आप देख सकते हो। समुद्र में भी रत्न होते हैं लेकिन समुद्रों के रत्नों को आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कि समुद्र का मंथन ना किया जाए, तब तक समुद्र के रत्न निकल करके बाहर नहीं आते। गंभीर है। एक बड़ी गजब की घटना घटी और गजब की घटना यह घटी कि भरत कहते हैं वो राम से प्रेम करते, वो तो यहां तक कहते हैं कि राम के दर्शनों के लिए मेरी आंखें तरसती हैं। आंखें तरसती हैं मेरी राम दर्शनों के लिए। यदि राम नहीं रहते तो भरत जी तड़पते हैं। जब याद राम तेरी आती है तड़पते हैं, दुखित होते हैं। जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है। एक हो किसी ऊटी की है अरु दिल देखे हमारा होता है। एक हो किसी हमारा होता है। राम याद तेरी आती है
जब नजारा होता है जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है कर सीने में दिन रात तड़पता रहता तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता तेरी याद छुपा कर सीने रात तड़पता रहता तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता मझधार में गो खाता कैसे बतला प्राणनाथ रो रो के गुजारा होता कैसे बतला प्राणनाथ रो रो के गुजारा होता है जब याद राम तेरी आती है अजब नजारा होता हो जब याद राम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है जब याद राम तेरी आती है तूफानों में बह जाता है मझधार में गोते खाता हूँ मझधार में गोते खाता नाम सहारा होता ओ मझधार में गोते खाता हूँ तेरा नाम सहारा होता है जब याद राम तेरी आती है तब अजब नजारा
हंसता हूँ दुनिया से डर दे छुपाने हंसता हूँ दुनिया से दर्द छुपाने को ओ मैं चलता फिरता हंसता हूँ दुनिया से दर्द छुपाने को ये दुनिया वाले क्या जाने जब नजारा होता महाराज राम के प्रेम में वो कहते हैं कि दर्शन तृप्त न आज लगे प्रेम प्यासे नैन और जब भरत जी इतना राम से प्रेम करते थे कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी तो फिर जब राम जी विवाह करके घर आए तो फिर वो छोड़ करके ननिहाल क्यों चले गए आपने कभी तलाश की उसका कारण था कि भरत जी महाराज एक दिन विवाह के बाद में एक दिन अपने सखाओं के साथ में भैया के साथ में खेल रहे थे मंत्रा ने आवाज देकर के बुलाया भरत इधर आओ तो भरत जी ने पूछा कि माँ क्या बात है माँ की तरह मानते थे वो मंत्रा को कहा देखो थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल बनाओ रिजर्व बनकर के रहो अब तुम कोई बच्चे नहीं हो जो सबके साथ में खेलते हो कहा हम सबके साथ में थोड़ी खेल रहे हैं हम तो बड़े भैया के साथ में खेल रहे हैं लक्ष्मण अरे बोले राजा तुमको बनना है बड़े भैया को थोड़ी बनना है बोले आप कैसी बात कर रहे हैं बड़े भैया ही तो राजा बनेंगे बोले नहीं तुम नहीं जानते तुम्हारे पिता ने राजा दशरथ जी से वचन मांगा है तुम्हारे नाना जी ने कि तुम्हारी माँ का जो बेटा होगा वो राजा बनेगा और तुम हो तुम्हारी माँ के बेटा इसलिए राजा तो तुम्हें बनना है इस तरह से कामन बच्चों की तरह खेला मत करो इनके साथ में चलो एक तरफ भरत जी महाराज को सन्नाटा लग गया कि क्या कह रहे हैं कहीं ये कुचक्र है क्या माँ से भी पूछा तो पता लगा हाँ नाना ने कुछ वचन तो मांगे थे भरत जी महाराज ने सोचा कि वैसे भी मेरी माँ राम को सर्वाधिक प्रेम करती है और यदि मैं इसके पास से चला जाऊं तो मेरी माँ का मेरे भैया में और भी प्रेम बढ़ जाएगा और अब मैं तभी लौट करके आऊंगा जब तक कि भैया राजगद्दी पर ना बैठ जाएं तब तक के लिए मैं ननिहाल चला जाता हूं। श्री भरत और शत्रुघ्न दोनों मिलकर के रघुनंदन श्री राम जी के महलों में आए उनके चरणों में प्रणाम किया और भरत जी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि चेहरे में आंसू थे श्री राम जी को हाथ जोड़ करके कहा कि भैया अगर आज्ञा होती तो मामा जी आए हुए हैं हम उनके साथ में ननिहाल जाना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा कोई बात नहीं है भैया भरत हुआ भरत जी ने उनको चेहरा नहीं दिखाया मस्तक पर सिर रख करके प्रणाम किया चले गए। सीता जी ने कहा कि आपने गौर किया बोले किस बात का कहा कि भरत की आंखें डबडबाई हुई थी और स्वर में करुणा थी। सीता तुमने बताया क्यों नहीं ऐसी क्या बात हो सकती कहा वो देखो सामने जहां भरत जी ने प्रणाम किया ना वहां अश्रुबिंदु पड़े हुए श्री भरत जी महाराज जब आगे श्री राम जी ने जब ये देखा कि अश्रु पड़े हुए हैं तो राम जी महाराज दौड़ करके आए उस जमीन पर अपने नखार बिंदों से अश्रुओं को उठा करके अपने हथेली पर हस्तार बिंद पर रखा
और अवतार बिंदु पर उन आंसुओं को जब देखा तो राम की भी आंखों के आंसू निकल पड़े, मचल पड़े और वो आंसुओं में समा गए। और श्री राम जी ने कहा कि भे भरत के आंखों के आंसुओं, तुम्हें राम के आंसुओं की सौगंध है, सत बताना मेरा भैया भरत कहाँ गया है, क्यों गया है। तो उन आंसुओं में भरत का चेहरा प्रकट हो गया। भरत जी ने कहा कि भैया 14 वर्ष बाद हमने पता लगाया है कि आपका मुहूर्त है, आप राजा बनोगे, इसलिए हम तब तक के लिए जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, जब तक कि आप राजा ना बन जाएं तब तक के लिए मैं ननिहाल जा रहा हूं। श्री राम जी ने कहा कि वाह भरत, तुम अपने बड़े भैया को राजा बनाने के लिए तुम ननिहाल जा रहे हो, एक छोटा भाई बड़े भाई के लिए इतना त्याग इतना उत्सर्ग कर सकता है, तुम्हारा इतना राम के प्रति प्रेम है ये दुनिया के लोग जानते नहीं, यही तुम्हारे जीवन का सर्वस्व है और यही वो राम प्रेम रूपी रत्न है जिससे दुनिया फल और फूल सकती है। यदि तुम प्रतिज्ञा करते हो कि जब तक मैं राजा ना बन जाऊं तब तक तुम ननिहाल नहीं यहां नहीं आओगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा, जब तक दुनिया के बच्चे बच्चे को पता नहीं लग जाएगा कि भरत के हृदय में राम के प्रति प्यार कितना है, तब तक मैं भी 14 वर्ष के पहले लौट करके आने वाला नहीं हूं। ये था दो भाइयों का प्यार प्रेम। आज हम जमीन के एक गज कपड़े के लिए एक एक गज टुकड़े के लिए भाई भाई का दुश्मन बना। अयोध्या के पास एक समस्तीपुर जगह है, वहां मेरा प्रवचन चल रहा था, पांडे लोग वहां प्रवचन कराते थे। उस समय आदरणीय स्वर्गीय श्री पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी भी वहां पर पधारे थे। मुझसे एक पांडे जी ने कहा कि महाराज जी, हमने सुना है आप भरत चरित बहुत अच्छा कहते हैं, भरत चरित सुनना चाहते हैं। तो हमने उस दिन भरत चरित पर ही प्रवचन किया, सम्मेलन था, दूसरे दिन विषय बदल जाता था। अब दूसरे दिन वो फिर हमसे बोले, महाराज जी हम तो आपसे भरत चरित सुनना चाहते हैं। हमने कहा कल हमने कहा तो था भरत चरित। अरे बोले महाराज, कल कोर्ट कचहरी के काम से थोड़ा सा हमको फैजाबाद जाना पड़ा तो हम कल कथा सुन नहीं पाए। क्या काम था? का कुछ नहीं, हमारे माता पिता तो चले गए और वो जमीन को बांट गए और भैया और हमारे बीच में जमीन बट गई। महाराज जो मेड़ है वो एक एक फुट की थी, सो बड़े भाई साहब ने देखो महाराज हमारी आधा फुट मेड़ में से निकाल लिया। सो महाराज बात ही बात में झगड़ा बढ़ गया, पर हमारा तो स्वभाव आप जानते हैं, सो हमने चटका दिया उनका सर। सो महाराज उसी के कारण थोड़ा सा केस चल रहा है, भरत चरित सुनेंगे और बड़े भाई का सिर चटका रहे। रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण की कथा केवल हाथ पर हाथ रखने के लिए नहीं है, ये भाई भाई के मध्य में प्रेम क्या होता है इसे भी बतलाती है। भरत जी महाराज जब अयोध्या में आए तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, अयोध्या उन्हें उजड़ी हुई सी नजर आई। जिस अयोध्या में बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि मुनि लोग भी अयोध्या का दर्शन करने के लिए अवध राज सुर राज सिहाई, उस अयोध्या को आज उन्होंने उजड़ा हुआ देखा। सरोवरों का पानी मलिन हो गया था, भौरों का फूलों के ऊपर गुंजार नहीं था, पेड़ कुमला गए थे, शरत सरोवर देख न जाही। कुत्तों को उन्होंने देखा कि सड़क पर कुत्ते ऐसे पड़े हुए हैं मानो कि वो मर गए हों, दोनों पांव के अंदर सिर दबा रखा है और उनके कुत्तों के भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भरत जी ने सोचा इस अयोध्या को किसने उजाड़ दिया, किसकी नजर लग गई, क्या हुआ इस भरत अयोध्या में। और इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज सोचते हैं और भरत जी के घोड़ों की टापों की जब आवाज सुनाई पड़ी,
तो घोड़ों के टापों की आवाज को श्रवण करके अयोध्या वासी लोग सोचते हैं कहीं राम जी तो नहीं आ गए रथ पर बैठ करके, घोड़ों पर बैठ करके। जब बाहर आकर के देखते हैं कि नहीं, ये राम नहीं, ये तो भरत हैं। तो भरत जी को कीन जोहार मात महिलाएं उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन भरत जी की ओर देखते नहीं। तत्काल अपने गमछे को, अपना जो सिर पर पगड़ी है, उसे आंखों के ऊपर ढक करके सिसकियां भर भर करके रोने लग जाते हैं। कुछ तो जमीन में ही बैठ करके रोने लग गए। भरत जी महाराज कहते हैं, हे विधाता, आखिर कौन सी बड़ी मुसीबत का पहाड़ इस अयोध्या पर टूट पड़ा है जिससे यहाँ के निवासी इतने विकल हैं, पशु और पक्षी भी तड़प रहे हैं। भरत कुशल ना पूछ सक भय विषाद मन माए। भरत जी किसी से कुशल मंगल पूछते नहीं, सोचते अगर मैंने किसी से कुशल मंगल पूछ दी और उसने इतनी भयानक कोई घटना घटी है जिसके कारण बनचर भी प्राणी मर रहे हैं, वृक्षों के पक्षी तलब करके धरती पर गिर रहे हैं, तो मैं उस सूचना को सुनकर के अपने आप को जीवित भी रख पाऊंगा कि नहीं। इसलिए भरत जी ने सोचा पहले में, अब भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों सबसे पहले किधर चले, अपने माँ की महलों की ओर। जब वो अपनी माँ के महलों की ओर चले, उसी समय पर अयोध्या वासियों ने कहा, देख लो हमने पहले ही कहा था कि इनकी भी सहमति है, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहा ही। एक कहते हैं भरत की सम्मति है और एक कहते हैं भूल करके ये बात मत कहना कि भरत की सम्मति है। सुकृत जाए अस कहत तुम्हारे, क्योंकि राम भरत, भरत राम कहूं प्राण प्यारे। राम के बारे में, भरत के बारे में ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत तो राम के लिए प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, वो राम के विपरीत कुछ कभी कर ही नहीं सकते। तो असल में बात यह थी कि भरत जी महाराज के की ओर क्यों जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं कि दशरथ की मृत्यु हो गई, उन्हें मालूम नहीं कि उनकी लाश रखी हुई है। सोचते हैं कोई भयानक घटना अयोध्या में घटी है, यदि मैं राम जी के पास पहुंच जाऊं तो फिर दुनिया भर का कोई दुख सुना दे, मैं उसे सुन लूंगा। तो वो अत्यंत शीघ्र राम तक पहुंचना चाहते थे। और भरत जी सोचते हैं कि राम तो मेरी मां के ही पास में ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो केके के महलों में होंगे, और जहां राम होंगे वही जानकी जी होंगी, और लक्ष्मण तो दूसरी जगह हो ही नहीं सकते, वहीं पर होंगे। और जहां पर राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, जानकी जी होंगी, निश्चित रूप से पिताजी भी वहीं पर होंगे, इसलिए सारे लोग मुझे अपनी मां के महलों में मिल जाएंगे। इसलिए भरत जी महाराज ने अपने सीधे घोड़ों को वहां पर चला दिया। और केकई को जब पता लगा भरत के आगमन का, तो सज आरती मुदित उठदाई द्वारे भूप भेंट ले, आरती को सजा धजा करके सामने आ गई, भरत की आरती उतरी। और केकई ने देखा कि भरत का चेहरा उतरा हुआ है। केकई लौकिक दृष्टि से सोचती है कि जिसके लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन रिजर्व हो गया हो, जो राजा बनने वाला हो, वो उदास तो हो नहीं सकता, वो तो प्रसन्न होगा कि वाह वाह वाह, मैं तो अयोध्या का राजा बनने वाला हूं। लेकिन भरत फिर भी चिंतित क्यों है? तो केकई को मालूम है किस बात का डर लगा, उसको लगा कहीं मेरे मायके में कुछ गड़बड़ ना हुई हो। इसलिए भरत जी से उसने प्रश्न पूछा, पूछत नैहर कुशल हमारे, सुतई ससोच देख मन मारे। अपने पुत्र को चिंतित और मन मारा हुआ देख करके कहती, पूछत नैहर कुशल हमारे, मेरे नैहर में सब ठीक ठाक तो है ना। इतना पूछते ही भरत जी ने थोड़े से कठोर शब्दों में कहा, भरत कुशल कह सकल सुनाई, का तेरे घर में तो सब कुछ ठीक है मां, लेकिन मेरा घर कैसा है मुझे तू ये बता। भरत कुशल कह सकल सुनाई, और पूछी निज कुल कुशल भलाई, मेरे कुल का समाचार क्या है, मेरे परिवार की स्थिति क्या है, तू मुझे ये बता। केकई ने बताना शुरू किया कि ताते
ताते बात में सकल समाई भाई मन तेरा कहाँ है तुम्हारी भाई मन तेरा कहाँ है हमारी ताते बात सकले समारी ताते बेटा मैंने सारी बात संभाल ली, मैं थी ना, मैंने सब कुछ संभाल लिया और मेरे इस काम को संभालने में केवल मंत्रा ने सहायता की, किसी ने भी सहायता नहीं की, इसलिए इनके मन का नहीं हुआ ना, इसलिए मुंह लटका के खड़े हैं सब और कोई कारण नहीं। तो भरत जी ने कहा कि माँ ऐसा तूने कौन सा काज संभाला है जिसके कारण सारी अयोध्या बिलख रही है, मुझे जल्दी बताओ तुमने ऐसा कौन सा काम संभाला है। कहते तात बात में शकल संभारी और भई मंथरा सहाय तुम्हारी और कछु के काज विधि बीच बिगाड़ू भूपति सुरपति पूरी पगधारी कछु के काज विधि बीच बिगाड़ू सब कुछ मैंने काम संभाल लिया, कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया। कछु के काज विधि बीच बिगाड़ू और भूपति सुरपति पुर पगधारी कुछ ही काम विधाता ने बिगाड़ा है कि सुरपति स्वर्ग लोग को चले गए। और जो ही इतनी बात सुने कि भूपति सुरपति पुर पगधारी सुनते ही भरत जी महाराज तड़प करके भूमि पर गिर पड़े। ताती ताती हा ताते पुकारी ताते 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 पुकारी परिउ भूमि तल जा फूल भारे करते ही भरत जी महाराज हां तात हां पिताश्री कहते कहते तड़प करके भूमि पर गिर पड़े और छटपटाने लगे। जैसे तैसे मंत्रियों ने भरत जी को जब संभाला तो भरत जी ने रोते रोते सिर धरती पर पीटते हुए कहा कि मैं कैसा अभागा पुत्र हूं कि हे पिताजी चलत न देख न पायू तो ही मैं अंतिम समय में आपको देख नहीं पाया। कई बार मेरे पिताजी मुझे गोद में लेकर के कहते थे कौशल्या जी से कि कौशल्या भरत हमारे कुल का कुलदीप है।
पिताजी अगर मैं कुलदीप था तो आप चलते समय मुझे बुलाए क्यों नहीं? क्या कारण हुआ कि आप इस पुत्र को बिसरा गए? और आप तो जानते हैं कि आपका ये पुत्र बिल्कुल ही नादान है, छोटा है। कम से कम मरने के पहले आपने मुझे याद तो किया होता, मुझे बुला लेते। और चलने के पहले भैया हाँ राम के हाथों में हाथ पकड़ा जाते और कह जाते कि अब तुम ही मेरे पिता हो। ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तात न राम है सौंपी हुमोई। और जो ही राम की बात की, तू ही भरत जी को ये लगा कि यदि पिताजी आ नहीं है तो भैया कहाँ है इसमें? भैया कहां पर है? जब ये बात बताई कि राम का वनगमन हुआ है तो भरत है पिसरियो पितु मरण राम वनगमन सुनमा और हेतु अपन पौ जान जिए थकत रहे धर्म। भैया राम लक्ष्मण जानकी जी के वनगमन के श्रवण के समाचार से भरत जी महाराज मौन हो गए, तड़फड़ा उठे। अभी भी तड़प ही रहे थे, उसके बाद में उन्होंने भयानक क्रोध में भर करके केकई की ओर देखा कि यदि तू मां नहीं होती तो मेरे कृपाण आज तुझे टुकड़े टुकड़ों में परिवर्तित कर देती। तू सत्य सत्य बता, तू कौन है? तू मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां तो वो थी जो मुझे अपने गोद में सुला करके राम की लोरियां सुनाती थी, राम के प्रेम का पाया से जिसने दिया था। तू केके नहीं है, कोई हत्यार नहीं है, कोई डायन है जिसने मेरी मां के शरीर पर कब्जा कर लिया है। दलक उठे उसने हृदय कठोर। केके को फटकारते हुए श्री राम जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि शायद किसी राक्षस ने भी अपने मां के सब लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया हुआ। अरे केके, जो राम तेरे बिना रहते नहीं थे, तेरे हाथ से आकर के वो भोजन करते थे, तू उन्हें अपने आंचल में लिपटाती थी। तेरे अंक का मैंने दूध नहीं, भैया ने दूध पिया है। तेरा ये सब नाटक था, ये सब दिखावा था तेरा। जब ते कुमति कुमति जी अठायाऊ खंड खंड होए हृदय न गया वो। जब ते कोमाती कोमाती दी थया वो खंड खंड होए हृदय न गया वो। पर मांगते मने भई नहीं पीरा, पर मांगते मने भाई नहीं पीरा। गरि न जीव परियों न पीरा, पर मन भाई नहीं पीरा। गरि न जीव परियों न पीरा। जिस दिन तेरे हृदय में राम जैसे बेटे के लिए कुमंत्रणा कुमति आई, उसी दिन ये तेरा दिल तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर गिरने क्यों नहीं? ये तेरी जिह्वा, जिस जिह्वा से तू राम को बेटा कहती थी, उसी जिह्वा से तूने राम जैसे बेटे को वनवास मांगा, तेरी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ये तेरी जीव गल करके धरती पर गिर क्यों नहीं गई? बर मांगत मन भाई नहीं पीरा। गरि न जीव मुही परियु न कीरा, भूप प्रतीत तोर के मकीनी, मरण काल विधि मति हरली नहीं। राजा ने तेरा विश्वास किया ही क्यों? लगता है अंतिम काल जब किसी का आता है तो मति उसके पास नहीं रहती। जिस पत्नी का जिस स्त्री का सौभाग्य उजड़ गया हो और उसके पति की लाश सभी आंगन में रखी हुई है और वो पत्नी वो स्त्री मुस्कुरा करके अपने बेटे से कहे कचुक काज विध बीच बिगाड़े, विधाता ने कुछ बिगाड़ा है? अरे उल्टे मैं तुझसे पूछता हूं, अब तेरे जीवन में रह क्या गया जिसने राम को बन भेज दिया
और मेरे पिता जैसे दशरथ जैसे पिता के प्राणों को जिसने ले लिया, अब तेरे पास बचा क्या है? कुछ बिगड़ा है? सब कुछ बिगड़ गया तेरा। इसलिए अब मेरे सामने से तू हट गया। और ये आज से बेटा अपने आप को मुझसे बेटा मत कहना, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तू रहेगी मैं कभी भी तुझे मां कह करके नहीं पुकारूंगा, क्योंकि मां वो होती है जो बेटे को दूध पिला करके पल्लवित पोषित करे, और जो राम के छुड़ा करके, जो राम के वियोग रूपी जहर को देकर के मारने का प्रयत्न करे, वो मां कभी नहीं हो सकती है। इसलिए तू सामने से हट जा। भरत जी ने यहां कहते हैं प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत का जो चरित्र है वो समुद्र की तरह गहरा है। भरत पयोद गंभीर, भरत जी गंभीर प्रेमामृत हैं। मत प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत के चरित्र का मंथन भगवान श्री राम जी ने देखो, किसी एक काव्य में एक ही नायक होता है, एक ही हीरो होता है, लेकिन राम कथा में दो हीरो हैं एक साथ, दो नायक हैं। और एक जगह तो ये कहते हैं कि भरत का पल्ला राम से भी भारी, दोदिश समझ कहत सब लोगु और सब विधि भरत सराहन जोगु। राम के चरित्र को देखकर और भरत के चरित्र को देखकर के चित्रकूट की धरती पर सारे लोग कहते हैं कि भरत का चरित्र राम से भी आगे है, क्योंकि राम जब धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र सिखाने आ रहे थे, मर्यादा सिखाने आ रहे थे, उन्हें भरत से कहा भरत तुम भी आ जाओ, हम दुनिया को यह सिखाएंगे कि मर्यादा क्या होती है, चरित्र क्या होता है, और तुम दुनिया को यह सिखाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। क्योंकि अगर हम आपसे कह दें कि बाहर में दो प्रेमी दो जोड़ा एक जोड़ा खड़ा है प्रेमियों का, अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पीछे पंडाल के पीछे प्रेमियों का जोड़ा खड़ा है, तो आप क्या सोचोगे? आपके मन में तत्काल एक भाव उठेगा कि एक स्त्री होगी और एक पुरुष होगा, क्योंकि हमने आपने ये सोच रखा है कि प्रेम तो स्त्री और पुरुष के बीच में ही हो सकता है। लेकिन कवियों ने पहले प्रेम का इतना छीछा लेदर किया था कृष्ण के चरित्र के माध्यम से बना करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी एक प्रेम के पात्र को उतारता हूं और वे ऐसे प्रेमी को उतार करके खड़ते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी सदग्रंथ हुए, जितने भी महाकाव्य हुए, उसमें प्रेमी और प्रेमिका में केवल स्त्री को ही दिखाया गया है कि वो प्रेम करती है, लेकिन यहां पर दो भाइयों के बीच में प्रेम दिखाया गया है कि प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं कि स्त्री और पुरुष ही हो, दो भाइयों में भी प्रेम होता है, हो सकता है दो इंसानों में भी प्रेम हो सकता है। इसलिए भरत जी ने एक ऐसे प्रेमी को खड़ा किया जो पुरुष है, जो भाई है। हम लोग जब प्रेम की बात करते हैं तो एक कहावत हमारी चलती है कि जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह भी मिथक गलत है, जहां प्रेम होता है वहां प्रायः नेम टूट जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ये प्रेम की आवश्यक शर्त नहीं है कि जहां प्रेम हो वहां नेम ना हो, ये जरूरी नहीं है। श्री भरत जी महाराज से बढ़कर के प्रेमी कोई दुनिया में नहीं है। गोस्वामी जी डंके की चोट से कहते हैं कि भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे ही। लेकिन कहते हैं कि मेरे भरत प्रेम की पराकाष्ठा को छूते हैं, फिर भी आप पूरी रामचरितमानस को पलट करके दिखा दो, यदि भरत ने एक भी मर्यादा को तोड़ा हो, एक भी नियम का खंडन किया हो। तुलसीदास जी चाहते दुनिया में एक भरत जैसे प्रेम का विस्तार हो जहां नियम भी ना टूटे और प्रेम भी पल्लवित और पुष्पित होकर के आकाश को छूता रहे और दुनिया सुखी और समृद्धि का अनुभव करे, ऐसा प्रेम चाहिए। भरत जी कह देते हैं कि मैं तुझसे मां भी नहीं कहूंगा। समुद्र का जब मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला था बताओ? जहर। और भरत जी का मां के प्रति निकले हुए ये कटु शब्द जहर की ही तरह थे, लेकिन समुद्र मंथन में जो जहर निकला है उसे 14 रत्नों में गिना गया है, 14 रत्न।
आयुर्वेद में कहते हैं विषस्य विषमौषधि, विष की औषधि विष ही है। बहुत गर्मी लगी रहती है, एक बार हम कहीं महाराष्ट्र में गए और चाय, मई जून का महीना चाय, तो बोले महाराज गर्मी से गर्मी मरती है, कंट के नहीं वो कंटकम विषस्य विषमौषधि, एक संखिया जहर होता है, लेकिन उसी संख्या जहर को आयुर्वेदिक लोग उसका प्रयोग करके औषधि के रूप में लोगों को जीवन दान देने के लिए प्रयोग करते हैं। भरत जी के चरित्र के ये जो शब्द हैं बड़े कठोर हैं, कभी कभी कठोर वस्तु भी कल्याणकारी होती है। भरत जी ने मन ही मन सोचा कि मेरी माँ जो राम को इतना प्रेम करती थी, उसने राम को वनवास दिया क्यों? तो उन्होंने सोचा कि शायद ये दिखावा करती है, लेकिन सच्चा प्रेम उसका मुझसे ही है। तो जिस भरत के लिए उसने राज्य मांगा, यदि वो भरत ही उसको खरी खोटी सुना दे, दुत्कार दे, तो फिर इसका पूरी तरह से राम में प्रेम हो जाएगा। इसलिए केकई को राम में पूरा प्रेम पैदा हो जाए, इसलिए भरत जी ने केकई को फटकारा, ताकि इसके समग्र प्रेम राम के साथ में समाहित हो जाए। जाके प्रिय न राम भेदे जा, ओ जाके प्रिय न राम भेदे जाके प्रिय न राम। स्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जिन्हें प्रभु श्री सीताराम जी से प्यार ना हो, उसे करोड़ों दुश्मनों के समान जान करके छोड़ देना चाहिए। कहा किसी ने छोड़ा? बोले हाँ छोड़ा। ताजी पिता प्रहलाद विभीषण, भरत बंधु महता, भरत बंधु महता, बलि गुरु तजीव कंति ब्रिज बनी तन, बलि गुरु तजीव कंति ब्रिज बनी तन, भय मुद मन प्रिय न राम। सुहृद सुसे
माति परमायत सहदे सुसे अंजन का आंख जे ही फूटे अंजन का आंख जे ही फूटे बहुत के कहां होता जाके बियना राम जाके प्रिय नराम वैदेही अंजन कहा। वो कहते हैं कि तुलसी सोई सब भांति परम हित सुहृद सुसेव्य जहां लो अंजन कहा आंख जेही फूटे बहुत के कहो कहा। किसी ने छोड़ा बोले हा तजियो पिता प्रहलाद ऐसे पिता को यदि वो पिता राम भक्ति न सिखाता हो तो प्रहलाद ने भरत का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु विभीषण ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया राम के विरोधी होने के कारण। भरत महतारी और भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। वह गुरु जो भगवत भक्ति से अलग करता हो गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। शुक्राचार्य ने गुरु को भी छोड़ दिया और वृजांगनाओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भय मुद मंगलकारी किसी का भी अकल्याण नहीं हुआ सभी का कल्याण हुआ। स्वर्ण सुसेव्य सोईलो मनियत वही हमारा नाते रिश्तेदार सगा संबंधी मित्र है जो आपको भगवान से जोड़े और जो भगवान से दूर करता हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में लिखते हैं अंजन कहा आंख दे फूटे बहुत के कहो कहा। सुरमा तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए होता है लेकिन यदि सुरमा लगाने से आंख ही फूट जाए तो वो सुरमा किस काम का। अंजन कहा आंख जे फूटे बहुत कहो कहां लो तो जाके प्रिय राम वैदेही। श्री भरत जी महाराज ने केकई को फटकारा और उसी समय मंत्रा आई और शत्रुघ्न जी महाराज ने देखा उसी समय पर होमग लात तक कुमार बाना परमुही भर मुही करत पुकारा कुवर टूटे फूट कपारू दलत दशन मुख रुद्र प्रचारू आहे देव में काहे न सावा करत नीक फल अने सपावा। देखो देखो अच्छा करने पर भी बुरा होता है। मैंने कितना अच्छा किया ये वरदान मिल रहा है। और इतना जब कहा उसी समय शत्रुघ्न जी ने पकड़ी उसकी झोंटी और पकड़ करके आंगन में घुमाने लगे लगे घसीटन धर धर झोंटी। लेकिन भरत जी महाराज इतने करुणा सागर इतने दीन बंधु हैं कि भरत दयानिधि दीन चढ़ाई कि भैया अपने भाग्य में ही जब खोट है तो क्या किया जाए। उसके बाद में भरत जी महाराज वहां से चलकर के महलों के अंदर महारानी कौशल्या जी के महलों में जाते और कौशल्या को किसी ने कहा कि भरत आपकी ओर आ रहे हैं और जूं ही कौशल्या ने ये सुना कि भरत आ रहा है मेरी आंगन में त्यों ही कौशल्या महारानी भागी क्योंकि सफेद कपड़े पहने हुए हैं असमय में ही उन्हें दिखना बंद हो गया है चोट लग गई गिर पड़ी। भरत जी ने लपक करके कौशल्या जी को उठाया और अपनी माँ कौशल्या की इस दुर्दशा पर भरत जी बहुत हुए। श्री भरत जी ने कौशल्या जी के अंक में बैठ करके रोते रोते ये कहा कि के कई कते जन्मी जग माजा के कई जो जनमी था भाई था ए न बांधा जो जनमी था भाई था ए न बांधा कुल करन के देगी जने Oh,
भरत जी ने कहा कि माँ ये उल्टा केकी जैसी नारी धरती पर पैदा ही विधाता ने क्यों की। बहुत दुखी होकर के रोते हैं। माता कौशल्या जी कहते हैं भैया किसी का दोष नहीं है, हमारे ही भाग्य को जब खोट है तो हम किसी को क्या दोष लगाएं। अपने अंक में बैठा करके कौशल्या जी पागल की तरह नाच उठी, कहा कि अरे कोई जाकर के महारानी केकई को जाकर के बताओ कि वो आकर के मेरी आंगन में देखे, अरे महारानी केकई तुमने मेरे बेटे को नहीं अपने बेटे राम को बन भेजा है, अपने बेटे राम को बन भेजा है। मेरा बेटा तो भरत था, वो भरत तो मेरी गोद में है, तुम्हारी गोद में तो राम ही रहता था, उसी के तुमने बन भेजा है। केके तड़प तड़प करके रोती, कौन कहता है मैंने दूसरे के बेटे को बन भेजा, हाँ मैं कहती हूं मैंने अपने बेटे को बन भेजा है। कौशल्या जी रोते रोते कहती है कि हे भरत, एक दिन पहले तुम्हारे पिताजी ने राम को बुलाया और बोले तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाना है, दूसरे दिन राम को उन्होंने वनवास सुना दिया, लेकिन राम के चेहरे पर थोड़ा भी दुख का भाव नहीं था। बार बार वो मुझसे यही आकर के कह रहे थे कि मैं चलते चलते एक बार भैया भरत को देख लेता, तुम्हारी स्मृतियों में राम के आंखों में आंसू थे लेकिन वनगमन के कारण एक भी आंसू नहीं था। वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं भरत कि जब भी एकांत में मेरा राम होता था तो कहता था कि भरत कब लौट करके आए। ऐसा राम सबको प्रणाम, सब कर सब विधि कर परतोषो। और जानते हो क्यों ही राम का वनगमन की बात हुई, क्यों ही सुनत लखन तुरंत उठ धाई, लक्ष्मण दौड़े दौड़े सामने आ गया और लाख समझाने की चेष्टा की राम ने, लेकिन लक्ष्मण नहीं माना और बन जाने के लिए तैयार हो गया। भरत जी कहते हैं आए धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। मां लक्ष्मण बड़ा सौभाग्यशाली है। कौशल्या जी रोते रोते कहती हैं कि भरत न जाने अब मेरा लाडला कहां हो। बोरे भूखे भूखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, चलते पग दुखे हुई है, जागे मगरात के सूरज की किरण लागे, लाल को मिलाने हुई है और कंटक के लागे जगा, फाटे हुई है गात के आली, अब भई सांझ हुई है काहू बन मांझ, भई किन बांझ ये फाटे किन मात के, छोड़ के घराना काहू तरु के तरोना पर, छोए हुई है सोना सोए हुई है छोना, बिछोना कर पात के। न जाने आज मेरा बेटा राम लक्ष्मण और सीता के साथ किन वृक्षों के नीचे आज जंगल में पत्ते बिछा करके सो रहा। मैं तो विधाता से मांगती हूं इससे अच्छी में बांझ क्यों ही नहीं हो गई, क्यों मैंने ऐसा दुर्भाग्य अपने बेटे के जीवन में लिखा। श्री भरत जी मां रात भर तड़फे, स्वयं वशिष्ठ जी आए, शोक निवारियों सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। गुरु जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से उनके शोक का निवारण किया और फिर भरत जी महाराज को वहां ले जाया गया जहां उनके पिता का शरीर नौका में रखा था। श्री भरत जी महाराज को सुमंत्र जी पकड़ करके खड़े हुए, वशिष्ठ जी उनके बगल में, और जिस वक्त नौका के ऊपर से वस्त्र उठाया गया, भरत जी तड़प करके गिर कर हा पिता कह करके
धरती पर तपने लगे, शरीर को निकाल करके अंतिम स्नान कराया और फिर डोली सजा करके जब निकाली गई है, आकाश से सूर्य भी रोए हैं, अथे आज भानुकुल भानु दशरथ जी की अंतिम यात्रा में इंद्र आए, वरुण और कुबेर सुरेश और समीर जैसे देवता उनका अनुगमन करते हैं, तमाम राजाओं ने अनुगमन किया है। रोते रोते भरत और शत्रुघ्न चल रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज के शोक का कोई पारावार नहीं था। शरद तीर रच चिता बनाई और जन सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू के तीर पर चंदन के लकड़ियों से इतनी बड़ी चिता बनाई गई मानो कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दी और उस पर सही रखा गया है। तीनों माताएं सती बनने के लिए तैयार हो गई, सती होने के लिए तैयार हो गई। गहपद भरत मात सब राखी। श्री भरत जी ने सभी माताओं के चरणों में प्रणाम करके उनको रोका और अलग अलग तर्क दिए। कौशल्या जी से ये कहा कि मां आप ही तो एक आधार बची हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी मां तो मर चुकी है, अब अगर आप मुझे भी मृत्यु देना चाहती हो तो आप मरो जाओ, सती हो जाओ, क्योंकि मैं तो अब आपके ही सहारे रह सकता हूं। और पर जिसने राम जैसे बेटे को जन्म दिया हो, जिसको राम ने बचपन में दिखा दिया कि ब्रह्म है मां, तुम तो जानते हो कि शरीर नश्वर है, आपको सती होने की क्या आवश्यकता है। और सुमित्रा जी से कहा कि आपको, आप तो ब्रह्म को ही सब कुछ मानती हो, जो भक्त होता है उसका तो सर्वस्व भगवान होता है और वो तुम्हारे सर्वस्व पति नहीं, तुम्हारे सर्वस्व तो राम है और राम को हम लाएंगे, मां आप धैर्य धारण करो और लक्ष्मण आपका राम के पास है, इसलिए आपको सती होने की आवश्यकता नहीं है। उसी बीच में फिर उन्होंने केके को भी देखा, केके की ओर देख करके कहा कि ये ढोंग क्यों कर रही हो, तुम सती होने जा रही हो, सती होने के पहले तुम ये नहीं सोचा तुमने कि इनकी मौत क्यों हुई है, इनकी मौत का कारण कौन है, लगता है शायद तुम पिता को पूरा दुख नहीं दे पाई हो, इसलिए अब चाहती हो कि पिता के साथ में, तुमने पिता को इस धरती पर तो दुख दिया ही है तुमने, लेकिन मरने के बाद में स्वर्ग में भी जाकर के तू मेरे पिता को सताना चाहती है, तुम्हें तो सती होने का ढोंग भरने का कोई अधिकार नहीं। यदि तुम्हें थोड़ा भी पति के प्रति प्यार होता तो उन्होंने कहा था कि मैं राम के वियोग में तड़प करके प्राणों का त्याग कर दूंगा, केकई ये मत कर, अगर तू सती नारी होती तो उसी समय तू प्रेम पिता के संवेदनात्मक शब्दों को जान सकती, अब ये ढोंग क्यों करती है। और एक तुलसीदास जी ने सती नारियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज दी है। तुलसीदास जी ने विरोध किया सती होने का, तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी कभी पुराने जमाने में जबरन भी सती कराया जाता था, सती नारी अपना घूंघट उघार देती है और पति के साथ में जाकर के जलती है और अग्नि जब लगती है तो वहां से उठ करके भागती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं सती होने की कोई आवश्यकता नहीं, नाह किसी से उघारियूं, ये दोहावली का दुआ है तुलसीदास जी, क्योंकि जब कोई नारी सती बनने के लिए चल देती है ना तो फिर वो घूंघट नहीं करती, वो देवी की तरह श्रृंगार करते, उसको लोग ले जाते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नाहक शीश उघारियूं और बरज रहे सब लोग, घर के लोग तुम्हें मना कर रहे थे, व्यर्थ में ही तुमने अपना सिर उघारा और घर ही सती कहावती जलती पिया बियो। इस अग्नि में जलने से अच्छा यह होता
कि तुम घर में ही प्रियतम के वियोग रूपी अग्नि में जलते हुए घर में ही सती बनकर के रहते, घर ही सती कहावती जलती पिया वियोग। भरत जी ने तीनों माताओं को समझाया, दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। पितृहित भरत कीन जस करणी, सो मुख लाख जाए नहीं बै। और एक आध दो दिन के बाद में वशिष्ठ जी ने दरबार में लोगों को समझाया, मंत्रियों को बुलाया, नागरिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, माताओं को बुलाया और सबसे बुला करके कहा कि भरत जब से आए हैं केके से भी खपा है, केके से बात नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं। राजा के बिना राज्य का होना ठीक नहीं है, कोई आक्रमण कर सकता है, इसलिए अत्यंत शीघ्र कुछ उपाय किया जाए कि भरत जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए। लेकिन भरत जी ने परिस्थितियों में दिखलाई पड़े हैं, जिस स्थिति में दिखलाई पड़े हैं उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि भरत राजगद्दी पर बैठेंगे। इसलिए उन्हें सारे लोगों को बुला करके कहा कि देखो कल हम एक मीटिंग रखते हैं, उसमें हम भरत को बुलाएंगे, तो हम जो जो बात आप लोगों को सिखा देते हैं वो ही बातें आपको भरत के सामने करनी है, अपने मन से आप कोई भी बात मत बोलना। माताओं को सिखा दिया, मंत्रियों को सिखा दिया, नागरिकों को सिखा दिया, बुजुर्गों को सिखा दिया कि हम जो जो बात कहें, पंडितों को सिखा दिया कि हम जो जो बात कहें आप कह देना हाँ गुरुजी सही कह रहे, हाँ गुरुजी सही कह रहे। तो वशिष्ठ जी ने महाराज ने पठाए बोल भरत दो भाई, दोनों भाइयों को उन्होंने बुला लिया, सारी सभा बैठी हुई। और उस समय पर श्री वशिष्ठ जी महाराज उनसे आग्रह करते हैं, भरत जी को समझाते हैं कि भरत मेरा ये चिंतन है कि आप पिता के प्रति पूरे निष्ठावान आपको होना चाहिए और हर एक पुत्र का एक ही कर्तव्य होता है कि वो पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करे। तुम्हारे पिता इतने सुकृती इतने पुण्यात्मा थे, इतने सत्यवती धनवती थे कि तजो राम जी ही बचने ही लागी और तन पर हरे वो प्रेम बिरहागी। तुम्हारे पिता दशरथ जी ने दुनिया को संपूर्ण संसार को उन्होंने ये बता दिया कि धर्म क्या होता है, प्रेम क्या होता है, वचनों के लिए अपने वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। और राम के प्रेम कितना करते थे, राम विरह कर मरण संभाल, राम के वियोग में शरीर का परित्याग करके मृत्यु को भी संभाल लिया। इसलिए अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप पिताजी की आज्ञानुसार राज्य सिंहासन पर बैठ जाएं। और उन्होंने कहा कि माता पिता के वचनों का पालन पुत्रों को बिना कुछ विचार किए हुए करना चाहिए, माता गुरु प्रभु का वाणी और बिना ही विचार करिए हित मानी, माता पिता और गुरु की वाणी को अपना कल्याण समझ करके बिना विचार किए हुए करना चाहिए। और उन्होंने दो उदाहरण दिए पौराणिक, तनय जजाति जौवन दयऊ पितु आज्ञा आगे अजस न भयऊ। ययाति के पुत्र पुरुरवा ने पिता के कहने पर पिता की आज्ञा पालन करते हुए अपनी युवावस्था उनको दे दी, लेकिन उनका अबजस नहीं हुआ। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जो सर्व जगत वंदनीय मां होती है उसके गले पर फरसा चढ़ा दिया, लेकिन उनको न किसी ने पापी का ना कहा और न दुनिया में उनका अवजस हुआ, वे भगवान परशुराम के रूप में पूजे जाते हैं। आपको भी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको पिता का आज्ञा पालन करते हुए।
इसलिए आपके पिता के दो वचन थे और दो वचनों में एक वचन उन्होंने राम को दिया और एक वचन उन्होंने तुम्हारे लिए दिया। राम को जो उन्होंने वचन दिया था राम ने उसका पालन कर लिया। 14 वर्ष का वनवास के लिए राम चले गए उनके वचनों के अनुसार। अब उनका जो दूसरा वचन है उसे भी अगर आप पूरा कर लोगे तो स्वर्ग में बैठी हुई जो तुम्हारे पिता की आत्मा है वो तृप्त हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए आपको इन वचनों का पालन करना चाहिए। अब इतना सुना जी एकदम रो उठे कि आप ये क्या कर रहे। गह ग्रहित पुनिवास गह ग्रहित पुनिवात बस ते पुन बीची मार और ताहे प्याये बारुनी कहो काहे उपचार। जो व्यक्ति पहले से ही ग्रहों का मारा हुआ हो, ग्रहों का मारा मानी हमने कुछ नहीं किया और फिर भी हमारे पितृपात, जो व्यक्ति अयोध्या से सैकड़ों मील दूर था और उसके नाम पर दो घटनाएं अयोध्या में घट गई कि भैया का वनगमन हो गया और पिता की मृत्यु नहीं हो गई, ये ग्रहों का चक्र नहीं तो और क्या है। गह ग्रहित पुनि बात बस और बात रोग हो जिसको डमरुआ रोग और उसको सैकड़ों बिच्छुओं ने काट दिया हो, काट लिया हो, डंक मार दियो, इतनी संवेदना से गुजर रहा हो और उसके उपचार के रूप में आप जहर पिलाएं, मदरा पिलाएं। ये राज सत्ता का मत ये मदरा के समान है गुरुदेव, ये मैं छूप उठने वाला। आप क्या कर रहे हैं, आप आत्म चेतना को बसराने की बात कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने समझाने की चेष्टा की, एक काम करो भरत, आप ऐसे राज्य मत लो, आप केवल 14 वर्ष के लिए राज्य पर बैठ जाओ और सौंपी हूं राज राम के आए और जब राम जी आ जाए उनके बाद में वापस कर देना। तो भरत जी ने कहा ये तो और भी गलत काम सिखा रहे हैं आप गुरु जी, क्या गलती है इसमें। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि सौंपी हूं राज राम के आए तो मंत्रियों को तो पहले सिखा रखा था उन्होंने कि हम जो कहें वह सिखा देना। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम के आने पर राम को राज्य सौंप देना तो भरत जी ने मंत्रियों की ओर देखा तो मंत्रियों ने क्या कहा मालूम है, बड़े होशियार मंत्री थे, मंत्रियों को होशियार होनी चाहिए। आप देखो उन्होंने गुरुजी की बात कह दी लेकिन एक जगह पलट दिया उन्होंने, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसे नहीं कहा, एक जगह जोड़ दिया। कीजिए गुरु आयस अवश्य सचिव कहे कर जोर, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भरत जी आप गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए। लेकिन आगे बोले का रघुपति आए उचित जस और तस तब करब बहोर। गुरुजी ने यह बताया था कि राम आ जाए तो राज्य लौटा देना, मंत्रियों ने ये नहीं कहा, मंत्रियों ने कहा राम जब लौट करके आ जाए उस समय आपको जो उचित लगे आप वही करना, ये नहीं कहा कि लौटा देना। क्योंकि मंत्रियों ने सोचा ये तो गुरुजी हैं दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, अब ये जो बोल रहे हैं ये तो धर्मादा में आ जाएंगे, इनका प्रवचन कहेंगे, प्रवचन कर रहे थे हम तो, लेकिन हम लोग मंत्री हैं, हमारे मंत्रियों की बात नोट की जाएगी, रिकॉर्ड में रखी जाएगी कि किस मंत्री ने क्या कहा था। और हमने अगर कह दिया कि राम आ जाए तब इनको लौटा देना, जो ही भरत ने शपथ ग्रहण किया सबसे पहले हम ही से इस्तीफे लिए जाएंगे कि तुम हमारे पक्ष ही के नहीं हो, तुम तो राम वाले हो, तुम ये कह रहे थे 14 वर्ष बाद राम को दे देना, इसलिए छुट्टी और चली जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया राम के आने पर आपको जैसा लगे वैसा आप करना, क्योंकि उन्हें लौकिक दृष्टि से देखा भरत के संदर्भ में, उन्होंने अलौकिक चिंतन भरत चरित्र का किया ही नहीं। और उसके बाद भरत जी महाराज ने एक एक चीज का तर्क का उत्तर दिया। वशिष्ठ जी ने 4 चीजें कही है। वशिष्ठ जी ने एक तो बात यह कही कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा ये थी, नंबर एक नोट करना कि पिता की अंतिम इच्छा थी। भरत जी ने कहा बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि मेरे पिता के मंत्री लोग वहां उपस्थित थे, जो कर्मचारी थे, मैंने पूछाया है कौशल्य के महल के मेरे कर्मचारियों से, मैंने पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु किन हालातों में हुई, किस कारण से, क्या घर के अंदर घटित घटना हुई थी।
तो दासियों ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पिता ने तड़पते तड़पते ये कहा था कि मोरे मनोरथ सोरे तरु पूला मोरे मनोरथ सोरे तरु पूला भारत करे नी जनो हाथ समूला मोरे मनोरथ सोरे तरु पूला भारत करे माता ने मेरे पिता ने मां से कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है और उन्होंने कहा था मेरी अंतिम इच्छा थी कि राम को राजगद्दी पर बैठा दूं लेकिन उस फलते फूलते वृक्ष को अरे अभागनी केकई तूने हाथ के हथनी की तरह आकर के उखाड़ करके फेंक दिया इसलिए गुरुजी मुझे यह मालूम है कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा क्या थी और अगर कोई पुत्र है तो उस वास्तविक पुत्र को पिता के शब्द बोले क्या गए हैं उनको नहीं पिता के दिल की जो इच्छा थी उसे जो पूरा कर सके वास्तव में वही पुत्र है इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं। फिर वो कहते हैं कि दूसरी आज्ञा थी कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो राजगद्दी पर बैठ जाओ का यह भी गलत है। दासियों ने मुझे बताया कि मेरे पिता ने अंतिम समय मां से कहा था कि तू भरत की मां होकर के भी भरत को नहीं जान पाई हरी के कई देखना मेरा बेटा भरत तू लाख कोशिश कर ले लाख कोशिशों के बावजूद भी चहत न भरत भूपते भोरे विधिवत बची जिए तोरे मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा ही नहीं। मेरे पिता ने कितनी तमन्नाओं के साथ में ये कहा कि मुझे अपने बेटे का भरोसा है कि भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। पिताजी गुरुदेव मैं जीते जी तो पिता को कोई सुख पहुंचा नहीं पाया मेरा एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिस पर पिता को सुख हो सके तो कम से कम पिता की मृत्यु के बाद में जो ने कहा था कि मेरा बेटा भरत पर नहीं बैठेगा मैंने ऐसे संस्कार दिए तो कम से कम मुझे उनके मरने के बाद तो कुछ ऐसा कर लेने जिससे मेरे पिता सीना को ठोक करके कह सके कि मैं भरत का भी बाप हूं। आपने कहा है कि मेरा बेटा गद्दी पर नहीं बैठेगा करे हैं सकल भाई शिव काई हुई है तू पर राम बढ़ाई मेरे तीनों बेटे राम की सेवा करेंगे इसलिए मुझे सेवा का सौभाग्य मिला। वशिष्ठ जी ने तीसरी बात कही कि आप अगर बैठ जाओगे तो पृथ्वी पर धर्म टिक जाएगा। तो भरत जी ने कहा मोहि राज हट दई हो जब ही तो रसा रसा तल जाइए तब ही। गुरुदेव अगर आपने हट पूर्वक मुझे राज सिंहासन दे दिया तो जो ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगा उसी समय पृथ्वी पाताल में धस जाएगी मैं इतना बड़ा पापी हूं का क्या बात करते हो भरत। अरे इस पर हिरण्यकश्यप हुआ हिरण्याक्ष उसके ऊपर हुआ रावण जैसा अनाचारी अत्याचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी जैसे दैत्य हुए और पृथ्वी रसातल को नहीं गई तो राम के ऐसे धर्मात्मा भाई के रहने पर पृथ्वी रसातल को क्यों चली जाएगी। तो कहते हैं मैं एक ऐसा अभागा बेटा हूं मेरे दुर्भाग्य को देखो मेरी मैं अभी राजगद्दी पर बैठा नहीं अभी मैं राजगद्दी पर बैठा नहीं अयोध्या की राजगद्दी के लिए मेरी माता केकई ने केवल मेरे नाम का प्रस्ताव किया और अयोध्या की राज्य सत्ता के लिए केवल प्रस्ताव करने पर अयोध्या में दो भयानक घटनाएं घट गई राम का वनवास हो गया और पिता की मृत्यु हो गई जिसका नाम लेने मात्र से पिता की मृत्यु और राम का वनवास हो गया उसे अगर राजगद्दी पर बैठा दोगे तो फिर क्या होगा यहां पर बोले रसा रसातल जाइए तब ही ये पृथ्वी पाताल में धस गई। चौथी बात उन्होंने कही कि प्रजा सुखी हो जाएगी ये दुखी है तुम राजगद्दी पर बैठ जाओगे तो प्रजा सुखी हो जाएगी। तो भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव बुरा नहीं मानना एक बात पूछू बोले हाँ पूछो। कहा कि ये बात कहते कहते आप सुखी हो गया आपके चेहरे को मैं देख रहा हूं
आप बातें करते करते राम का जब नाम आता है आंसू बहते हैं आपके आंख से, आप अपने आंसू भी पहुंच रहे हो और दुनिया को आप बता रहे हो कि वो सुखी हो जाएगी प्रजा जब आप सुखी नहीं हो। राम के वनगमन में आप रो रहे हो, ये प्रजा तो देखो कैसी रो रही है, इसको मैं क्या सुखी कर पाऊंगा। गुरु जी बुरा एक प्रश्न आपसे पूछूं, तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ पूछो भरत। आप गुरु जी हो ना? बोले हाँ मैं गुरु जी हूं। गुरु जी मैं आपके प्रभाव से परिचित हूं, सोई गुसाई जही विधिगति छेकी सकै को तार टेक जो टेकी, आप वो गुरु जी हैं, अगर आप प्रतिज्ञा कर ले तो विधाता भी आपकी वाणी को नहीं रोक सकता, फिर आपने राम का वनवास क्यों नहीं रोका? हमने सुना है इसी रघुकुल में पहले चलकर के ककुत्स्य महाराज की शादी हो रही थी, तीन भावरें हुई थी और ककुत्स्य महाराज की मृत्यु हो गई, इंदुमती विधवा हुआ, और तब आप उस विवाह मंडप के पुरोहित थे। आपने कहा कि जिस विवाह मंडप का पुरोहित वशिष्ठ हो और उसमें भावरों के पहले ही बेटी विधवा हो जाए, हो नहीं सकता, और आपने कमंडल का जल उनके ऊपर छोड़ा का बेटी सौभाग्यवती भव, यमराज की हिम्मत नहीं हुई और उन्हें ककुत्स्य के प्राणों को छोड़ना पड़ा, तो जिस महाराज जिस ब्राह्मण जिस गुरु के होते हुए यमराज की हिम्मत नहीं होती कि प्राणों को ले जा करके जा सके, उसके होते हुए राम का वनगमन क्यों हो गया, ये मुझे नहीं आता है, मुझे समझाइए। अब वशिष्ठ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वशिष्ठ जी राम को याद करके रोने लगे, कहा कि सोनहु भरत भाभी प्रिवल और बिलख कहू मुनिनाथ और हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। बिलख वशिष्ठ जी ने कैसे कहा? बिलखते हुए तड़पते हुए कहा सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, छह चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, ये सब विधाता के हाथ में। भरत अगर ये विधाता की इच्छा होती ना तो मैंने राम का वनगमन बिल्कुल रोक दिया, लेकिन ये विधाता के भी विधाता की इच्छा थी, तो विधाता का विधाता कौन है? विधाता का विधाता है राम। शंभु विरंच विष्णु भगवान और उपजहि जासु अंश तेराना, उनके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, इसलिए इसमें राम की अपनी खुद इच्छा थी वनगमन की। ये किसने बताया? सरस्वती जी ने राम की पोल पट्टी खोल दी। जब राम भरत मनाने के लिए जा रहे थे तो देवताओं ने एक मीटिंग की और देवराज इंद्र ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप भरत की मति को फेर दो। सरस्वती जी ने इतना फटकारा कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकाओ पराई विभूति, लोचन सहस न सूझ सुमेरु, हजारों नेत्र हैं और तुम्हें सुमेरु नहीं दिखाई पड़ता। मुझे कौन सी बड़ी बात मैंने कह दी? आपने पहले मंथरा की भी तो मति फेरी थी। तो सुनो, सरस्वती जी ने राम जी की पोल पट्टी खोल के बता दिया, बोले तवे के छुकीन राम रुख जानी। उस समय मैंने जो कुछ किया उसमें राम की खुद की इच्छा थी और अब कुचाल कर हो ये हानि। अब अगर राम और भरत के मिलन में मैंने कोई कुचाल करने की चेष्टा की तो मेरी हानि हो जाएगी, ये मैं काम नहीं कर सकती। तो वशिष्ठ जी महाराज भी तड़पते हुए कहते हैं कि राम की खुद की इच्छा थी, इसलिए मैं भवनों में रहा ही नहीं, निकट वशिष्ठ द्वार बैठा। अंत में श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति है जो मेरे राम को वनवास छोड़ने के लिए गए। सुमंत्र जी डरते हुए से खड़े हो गए कि ये अपराध मैंने किया है,
मैं आपके राजी उलोचन राम को बन छोड़ करके आया हूं, जो भी दंड देना हो दे दो। भरत जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, कहा मुझे कोई अधिकार नहीं मैं किसी को दंड दूं, मैं तो आपसे जानना चाहता था, मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूं कि जब आप मेरे भैया राम को बन छोड़ने के लिए जा रहे थे, राम को जब अंतिम समय आपने छोड़ा, तो मेरे भैया ने मेरे लिए कुछ कहा था क्या? जो कुछ कहा हो आप मुझे बता दो। तो सुमंत्र जी ने याद करके बताया कि राम जी ने पिताजी को संदेश दिया था, पग पर करियू प्रणाम बहोर, पग पर करियू प्रणाम बहोरी, कवे नीऊ सोच कर पूज्य पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम करके कह देना कि मेरी किसी भी चिंता न करें। कहा कि महाराज ने पिताजी के लिए उन्होंने क्या कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मेरे लिए कुछ भैया ने कहा था क्या? सुमंत्र जी ने कहा, बाद में राम जी ने कहा कि वो ही प्रजा वो ही लोग हमारे शुभ चिंतक हैं जो मेरे पिताजी का ध्यान रखें। कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि राम जी ने पिताजी के लिए क्या कहा, मैं पूछ रहा हूं मेरे लिए क्या कहा। बाद में सुमंत्र जी को याद आया, हाँ एक बात आपके लिए वो बोले थे, लेकिन वो बात पूरी कह नहीं पाए और उनके आंखों में आंसू भर आए थे, हिलकियां भर करके राम ने रोते रोते एक चौपाई बोली थी। भरत जी ने कहा कि बस बस सुमंत्र जी, मैं उन्हीं पंक्तियों को सुनना चाहता हूं जिनको कहते कहते मेरे राम का गला रुंध आया था। बोले अंत में भरत जी राम जी ने मुझसे ये कहा कि सौंपी हुराज राम के आए नीति नतजिए राज पद पाए, सौंपी राज राम के आए नीति नतजिए राज पद पाए, सौंपी हुराज भरत के आए सौंपी हुराज भरत के आए नीति न तजिए राज पद पाए, चरण शिव काई करती और निभाए भायप भाई, भरत जब आ जाए तो राजगद्दी सौंप देना और भरत को कह देना कि तुम्हारे भैया का तुम्हारे लिए संदेश है कि और निभाए वो भायप भाई, भैया भ्रातृ धर्म का पालन करके दुनिया को दिखाना कि भाई के साथ में भाई का धर्म क्या जाता है।
और जो ही इतना कहा कि और निभायु भाई अप भाई, भरत जी तड़प उठे, कहा मंत्रीवर एक बार फिर कह दो कि मेरे भैया ने मुझसे कहा है और निभायु भाई अप भाई, एक बार ये फिर कह दो कि एक और निभायु भाई अप भाई, एक बार मैं और सुनना चाहता हूं कि और निभायु भाई अप भाई। अब आप लोग कान खोल करके सुन ले कि मैं केवल राम की आज्ञा का पालन करने वाला हूं, और भैया राम ने यह नहीं कहा है कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, भैया ने कहा है कि भरत दुनिया को बताना कि भाई के साथ भाई का निर्वहन कैसा होता है, और जिसका बड़ा भाई पिता के समान भाई, कंटका किरण जंगल में कदकद विचंद कर रहा हो, क्या उसके छोटे भाई का कर्तव्य यही है कि राजगद्दी पर बैठे। इसमें निर्णय सुना दिया, प्रातः काले चले हाँ प्रभु पाही, प्रातः काले चले हाँ प्रभु पाही, भरत बिचारे कीन मन माही, भरत बिचारे कीन मन माही। भरत जी ने अपना निर्णय सुना दिया कि आपन दारुण दीन था और सबई कहो समझाए, आपन दारुण दीन था सबई कहो सिरुनाए, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। प्रात काल चले हाँ प्रभु पाही, और इतना सुनते ही सारे के सारे नागरिकों के चेहरों से जो अश्रु की धारियां बिखर रही थी वो खिलखिला उठे, जय हो भरत जय हो भरत, तुम ही सच्चे भैया हो। रात में तैयारी हुई और दूसरे दिन भरत जी